हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर 7 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, इसमें सिंगल करेक्ट आंसर्स हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर टाइप, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और डिजिट में आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या लिखा है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओ विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू इज, एंगल पी ओ क्यू इज 40 डिग्री। गिवन ए फिगर। देखो बच्चों, ये एक सर्कल है यहाँ पर पॉइंट पी मान लें और ये है पॉइंट क्यू। ये एंगल 40 डिग्री दिया है, हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी वी वन, यहाँ वी टू दिया है, लेकिन स्पीड सेम है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, इनके बीच का जो एंगल होगा 40 डिग्री होगा ना, अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे या ऐसे समझ लो। देखो ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब अगर ये रेडियस वेक्टर 40 डिग्री टर्न होगा तो वेलोसिटी वेक्टर भी यहां से कितना एंगल टर्न होगा, ये भी 40 डिग्री ही टर्न होगा। यानी अगर इसको मिलाए ऐसे तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा बच्चों, 40 डिग्री। ये समझ में आया। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस का मतलब एक इधर है दूसरा इस तरफ है, नेगेटिव ले लेंगे ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी ये था, अब इसका नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये एंगल 180 माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया। फिर देखो, अब सिंपल हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम लोग वी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री आएगा, डिफरेंस है ना इसलिए। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया, आप इसको 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हो, थीटा के बदले यहाँ 40 डिग्री है, 2v स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 40 डिग्री। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री लिख देते हैं। अब स्क्वायर रूट के बाहर 2v साइन 20 डिग्री आएगा। अब देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, फोर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद फिगर ड्रॉ कर लें। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया है बच्चों, तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द अरेंजमेंट शोन ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, द रॉड आर इज कंस्ट्रेंट टू मूव वर्टिकली। ये रॉड जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। द वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ आर इज a1, ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है a1। एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ वेज w इज a2। a2 इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन इधर a2 है, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, a1 और a2 का रेशियो। देखो बच्चों ध्यान देना, यहां पर वेज कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कॉमन नॉर्मल ये है। तो इस लाइन के अलोंग, ये जो अभी डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा,
ए वन कॉस एल्फा और ए टू साइन एल्फा दोनों बराबर होने चाहिए। तो लिख दें ए टू साइन एल्फा इक्वल्स टू ए वन कॉस एल्फा, ठीक है ना। अब आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको इधर ले आओ, साइन एल्फा बाई कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू ए वन बाई ए टू। देखो हमें ए वन बाई ए टू ही फाइंड करना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन एल्फा के बराबर, है ना। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या लिखा है, द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फिक्स्ड टू अ वर्टिकल जेड एक्सिस, ठीक है। यहां से ये ऐसे जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस पर ये फिक्स्ड है, एंड सेट इन अ मोशन दैट द बॉब मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब हम लोग ऐसे मान लें, देखो ये जेड एक्सिस है बच्चों, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस ऐसा है। तो ये ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर और इसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। और ये जो हाइट है 5 मीटर अबव द ओरिजिन, यहां से यहां तक का हाइट ये 5 मीटर गिवन है, ठीक है बच्चों। द बॉब हैज अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, द स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हेन द बॉब इज वर्टिकली अबव द एक्स एक्सिस एंड इट लैंड्स ऑन द एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट एक्स वाई। देखो ध्यान देना बच्चों, यहां से इस जगह से यानी कि इसके ठीक ऊपर, यहाँ एक पॉइंट है ना, इसके ठीक ऊपर में ये जिस वक्त है ठीक उसी वक्त स्ट्रिंग टूट जाता है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से ऐसे एक्स वाई प्लेन में स्ट्राइक करेगा कहीं ना कहीं। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g होगा, h की वैल्यू 5 मीटर है, g को हम लोग 10 ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 10/10 यानी कि 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, एक्स वाई प्लेन को स्ट्राइक कर रहा है। हॉरिजॉन्टल जो इसका कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो तो बदलेगा नहीं बच्चों। यानी कि यहाँ से देखो, इस जगह से चलना शुरू किया, इसके ठीक ऊपर 2.0 से ठीक ऊपर था और 1 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 3 मीटर का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, वो 3 मीटर हो जाएगा बच्चों, है ना, टाइम इंटू वेलोसिटी, क्योंकि 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी हुई है। तो ये जहां लैंड करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा, यानी एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 3। अब ऑप्शंस चेक कर लेंगे, एक्स इक्वल्स टू 2 का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन वाई इक्वल्स टू 3 ये थर्ड ऑप्शन में लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें क्या लिखा है, अ वेरिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इक्वल्स टू ए टी एक्ट्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास एम कैप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एन आइडेंटिकल ब्लॉक इज कैप्ट ऑन द फर्स्ट ब्लॉक, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू, द टाइम आफ्टर विच द रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक स्टार्ट्स इज, यानी कि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग मोशन होने लगता है, रिलेटिव मोशन होने लगता है, ठीक है बच्चों। तो कितने टाइम के बाद रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा हमें ये बताना है। एफ की वैल्यू है ए इंटू टी, ये जो ब्लॉक है ना ये आगे जो मूव करेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इस ब्लॉक के लिए इसका मास हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं। दोनों का मास सेम दिया है क्या क्वेश्चन में, दोनों का मास सेम दिया है ना,
आइडेंटिकल ब्लॉक, ये भी स्मॉल m ही है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों म्यू एम जी मैक्सिमम वैल्यू, और इसके कारण जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, इसको ऑब्जेक्ट वन मान लो, इसको ऑब्जेक्ट टू, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बाय मास म्यू जी, ठीक है ना। अब जब तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं तब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और उसके बाद जैसे ही यह फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग कंडीशन है मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए। इस वक्त जो फोर्स लगेगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, आप ऐसे लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और ये कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है लिमिटिंग कंडीशन में, और इसके बाद क्या हो रहा है रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर हम लोग ए ये कांस्टेंट है, इसको एक्सेलरेशन ना लिख के डायरेक्ट हम लोग म्यू इंटू जी लिख देते हैं, क्योंकि ए कंफ्यूज हो जाओगे ना, यहाँ ए पहले से सिंबल में यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों टू म्यू एम जी। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा टू म्यू एम जी बाई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के और भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ फोर्स एफ इक्वल्स टू माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वेयर के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एक्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट ए जीरो एंड देन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू द पॉइंट ए ए द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। हमें इसमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है बच्चों, या तो आप यहाँ से पहले मान लो इसको हम लोग ऐसे पॉइंट ओ नाम दे दें, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो पहले ओ से ए तक आने का वर्क डन, फिर ए से बी तक जाने का वर्क डन, अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों का सम फाइंड कर सकते हैं ना, एल्जेब्रिक सम। या दूसरा तरीका क्या है बच्चों, देखो ये जो फोर्स है ना ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे हम लोग चेक करते हैं, एक्स कंपोनेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन और वाई कंपोनेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे ठीक है ना, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, किसी भी पाथ के लिए नेट वर्क डन सेम होगा, ऐसा है ना, यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रहा है। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर y के रेस्पेक्ट में वन आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे वन आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप अलग से स्टेप बाय स्टेप करो, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स यानी कि माइनस के फिर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ऐसा हो जाएगा ठीक है, और इनिशियल पॉइंट जीरो जीरो फाइनल पॉइंट ए ए, माइनस के तो कांस्टेंट है ना, माइनस के को बाहर लिख लो, और इसको आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना बच्चों, इसको अगर आप प्रोडक्ट रूल लगा के लिखोगे तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन फिर बाद में वाई का डिफरेंशिएशन, इसका रिजल्ट यही आता है। तो डायरेक्ट लिख दिया आप इंटीग्रेट करके, क्या आएगा एक्स वाई, अब सिंपल हो गया ना, माइनस के एक्स वाई विद इन लिमिट जीरो जीरो टू ए ए, अब लोअर लिमिट पुट करने पर तो जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करने पर ये ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए एक फिगर दिया है, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे। बच्चों देखो ध्यान देना क्या लिखा है, अ स्मॉल बॉल इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक, अ स्मॉल बॉल ये है बॉल इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ एल है ठीक है, बोथ आर इनिशियली ऑन ग्राउंड देयर इज सफिशियंट फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग, यहाँ पर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में इतना फ्रिक्शनल फोर्स है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा ठीक है ना, द बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विथ अ वेलोसिटी यू
अब देखो यू का एक लिमिट दिया, एक रेंज दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2GL, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है, 2GL टू 3GL, ठीक है, ऐसा दिया। ये यू स्क्वायर की वैल्यू है, हाँ ठीक है। तो यू को आप लिख सकते हो ना स्क्वायर रूट ऑफ 2GL से रूट 3GL के बीच। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक प्लस बॉल सिस्टम इज सी। ये बॉल, ये ब्लॉक, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं। हमें एग्जैक्टली पता नहीं बच्चों कि सेंटर ऑफ मास किस जगह है, क्योंकि दोनों के मास का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ऐसा नहीं लिखा है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम मास, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, हेवियर मास के पास होगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस को चेक करना है। पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, सी विल मूव अलोंग अ हॉरिजॉन्टल, अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस एल बाई टू। सी का मतलब सेंटर ऑफ मास, ध्यान से समझना बच्चों, ये तो फिक्स्ड हो गया, तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी सर्कुलर पाथ पे मूव तो करेगा, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में तो होगा नहीं, क्योंकि मास इक्वल हुआ तभी ऐसा हो सकता है, यानी एल बाई टू रेडियस होगा, ये कन्फर्म हम लोग नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि स्पेशल केस में ही होगा, जब दोनों का मास इक्वल है तभी ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो सकता है, ठीक है बच्चों। सेकंड में लिखा है सी विल मूव अलोंग अ पैराबोला, पैराबोला पर मूव नहीं करेगा, सी का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। थर्ड में लिखा है सी विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, थर्ड भी गलत है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों गलत है, तो जाहिर सी बात है फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखें फोर्थ में क्या लिखा है, द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ध्यान दो बच्चों, अगर हम लोग ऐसा कंसिडर कर लें कि सेंटर ऑफ मास यहां से ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ पे, तो यहां अगर आप कंसिडर करोगे इस पॉइंट पर टेंशन किधर लग रहा है, इस तरफ वेलोसिटी है इधर, ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा, और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कुछ ना कुछ है, और टेंशन, इनके बीच का एंगल अभी 90 डिग्री से कम है, यानी टी का एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड को इंक्रीज करेगा, यह समझ में आया। एक लिमिट के बाद फिर यहां से हम लोग इधर किसी पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इधर है और टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल अब 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो एक कॉम्पोनेंट इसका वेलोसिटी को कम करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुरुआत में तो इंक्रीज हो रहा था, बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यही लिखा है फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं, इसको मिटाए। देखो बच्चों सेवंथ क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, ऐसा कंडीशन गिवन है, ठीक है, और ये एक सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा है अ स्फीयर ऑफ मास m इज गिवन सम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड जेंटली प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक ऑफ मास m। ये तो ऐसे पहले रोटेट कर रहा है, फिर इसको आराम से धीरे धीरे, मतलब इस सरफेस के ऊपर, ये जो एक प्लैंक है m मास का, उसके ऊपर रख दे रहे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू इज म्यू, इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है बच्चों। द प्लैंक रेस्ट्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, ठीक है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर रिलेटिव टू द प्लैंक विल बी। ध्यान देना बच्चों, यहां हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। अभी रिलेटिव मोशन हो रहा था इस तरफ,
जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी कि इस स्फीयर पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाएगा, जबकि प्लैंक पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सीधा सीधा हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देते हैं, म्यू एम जी, ठीक है ना बच्चों। अब इसके लिए एक्सेलरेशन क्या आप लिखोगे? इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा म्यू जी, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ये इधर और ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है तो क्या लिखोगे? ए माइनस माइनस ए, ठीक है ना, यानी कि टू ए टू म्यू जी। अब देखो कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, इसका फोर्थ ऑप्शन, ए लिखा है ना टू म्यू जी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्या लिखा है? अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज पिवोटेड एट इट्स अपर एंड, इट इज फ्री टू स्विम इन अ वर्टिकल प्लेन, इट्स टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड इज। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन जो है ना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, कंपाउंड पेंडुलम से रिलेटेड है। आप ऐसे समझ लो कि ये एक रॉड है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, यहां से इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। इसका लेंथ टोटल एल है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कंपाउंड पेंडुलम की बात कर रहे हैं बच्चों, 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम जी डी, वेयर डी इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये सेंटर ऑफ मास, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। यहाँ पर डी की वैल्यू एल बाई टू हो जाएगी ना, और अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू पुट कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा एल, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख लेना, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एल बाई 3 जी, ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा लिखा है ना बच्चों, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखो बच्चों, फिगर तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द रेडियाई ऑफ टू कॉलम्स इन यू ट्यूब आर आर वन एंड आर टू। एक ये यू ट्यूब है, इसके रेडियस आर वन और आर टू है। क्वेश्चन में दिया हुआ आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, यानी कि यहाँ पर आर टू होगा, इधर आर टू, इधर आर वन, ठीक है बच्चों। जिधर का रेडियस ज़्यादा है उस तरफ से लिक्विड का लेवल नीचे होगा ऑब्वियसली, अदरवाइज आप एक को ऊपर एक को नीचे कर लो, कैलकुलेशन के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा बच्चों। क्या लिखा है? व्हेन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 डिग्री इज फिल्ड इन इट, द लेवल डिफरेंस ऑफ लिक्विड इन टू आर्म्स इज एच। इन दोनों आर्म में जो लिक्विड का लेवल है उसका डिफरेंस एच दिया हुआ है, हमें लिक्विड का सरफेस टेंशन फाइंड करना है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान देना, हम लोग मान लेते हैं ये लिक्विड है, डेंसिटी इसकी रो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर रहे हैं, सेम लिक्विड है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, अनएक्सेलरेटेड फ्लूइड है, तो प्रेशर की वैल्यू भी सेम होगी। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो जरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग पी नॉट मान लेते हैं, ठीक है, और ये ऐसे एक सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस बनेगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? 0 डिग्री, ठीक है, तो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस बन गया यहाँ पर। ये कॉन्केव साइड है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, इस सरफेस के ठीक नीचे यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस 2 टी बाई आर,
यहाँ पर टी से हम लोग सरफेस टेंशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें यही फाइंड करना है एक्चुअली। ठीक है, ये आर टू रेडियस हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेशर पी नॉट माइनस टू टी बाई आर वन, इस पॉइंट पर यानी सरफेस के ठीक ऊपर प्रेशर पी नॉट है, सरफेस के ठीक नीचे प्रेशर पी नॉट माइनस टू टी बाई आर वन हो जाएगा, और एच डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं डेंसिटी रो, तो रो जी एच प्रेशर और बढ़ जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, आप इसको इधर ले आओ, टू टी इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू इज इक्वल्स टू रो जी एच, टी की वैल्यू हो जाएगी टू रो जी एच इंटू आर वन आर टू, टू तो नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन। ठीक है बच्चों, अब देखो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है ना, अगर हम लोग उल्टा करके चलते कि आर वन की वैल्यू कम है या ये नीचे है ये ऊपर है, उस हिसाब से सॉल्व करते है ना, तो हमारा ये टेंशन नेगेटिव में आ जाता, ये आर वन माइनस आर टू आ जाता, आर वन माइनस आर टू का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो कन्फ्यूजन का तो सवाल ही नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में, है ना। जो भी ऑप्शंस दिए हैं इसको अगर आप चेक करोगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर वन ही करेक्ट है और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया, अब इसको मिटाएंगे, नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है, टेंथ क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। L1, L2, यहाँ पर EMF है E, रेसिस्टेंस R, ये स्विच S है, करंट I1, I2, इसको क्लोज किया तो करंट एक में I1 दूसरे में I2 जाएगा। क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द स्टेडी स्टेट करंट I1 एंड I2 इन द कॉइल आफ्टर द स्विच S इज क्लोज्ड R, स्विच को क्लोज करेंगे तो शुरुआत में तो क्या होगा बच्चों, ग्रोथ ऑफ करंट जो होता है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट फ्लो को अपोज करेगा, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद, बहुत कम टाइम के बाद ही ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है। ठीक है बच्चों, और जब एक बार स्टेडी स्टेट में आ गया उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, करंट, चार ऑप्शंस दिए हैं ना, चारों में देखो तो बच्चों I1 और I2 की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है L1, L2 और R के टर्म में। ठीक है, तो फाइंड करते हैं, ध्यान देना, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उससे, एक रिलेशन L1 dI1 by dt इज इक्वल्स टू L2 dI2 by dt इन दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, यानी कि L1 I1 और L2 I2 इक्वल हो जाएंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हो I1 by I2 इज इक्वल्स टू L2 by L1, करेंट का रेशियो मिल गया, टोटल करेंट कितना होगा बच्चों, I के बराबर होगा, यहां से हम लोग मान ले I, तो I को क्या लिख सकते हैं, E/R लिख सकते हैं क्या, स्टेडी स्टेट में देखो I की वैल्यू है E/R, स्टेडी स्टेट में ये भी एक कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करेगा और ये भी एक कंडक्टिंग वायर जैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है ना, अब दोनों में हम लोग करंट की बात करें, देखो ध्यान देना, ये I हो गया, आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों I1 + I2 इज इक्वल्स टू I, और I की वैल्यू E/R, तो अगर आप यहां से वैल्यूज को पुट कर दो, अभी इसको I रहने देते हैं, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, इससे I1 की वैल्यू आएगी L2 by L1 + L2 × I, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है, या आप यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करो तो भी यही रिजल्ट आएगा। दूसरा, आप I2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, अभी हम लोग I1 को कंटिन्यू करते हैं, चलो I2 भी लिख दें, L1 by L1 + L2 I, अब अगर आप इसको E/R लिखोगे, ठीक है ना, तो देखें कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं, ध्यान से समझना,
पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, ई एल वन बाई आर एल वन प्लस एल टू। तो अगर आप यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से ई बाई आर, यही आंसर आ जाएगा क्या? पहला आंसर। दूसरे में आई वन में यहाँ एल वन लिखा है, दूसरा इनकरेक्ट है। तीसरे में स्क्वायर रूट ऑफ एल वन एल टू का कॉन्सेप्ट है, तीसरा और चौथा तो इनकरेक्ट है बच्चों। सिर्फ एक ही आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर वन। तो टेंथ का करेक्ट आंसर क्या होगा? वन। ठीक है, इसको मिटाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विथ टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर क्वार्टर ऑसिलेशन इज। ठीक है, हमें एवरेज टाइम चाहिए, द मीन वेलोसिटी, सॉरी मीन वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन का 1/4 पार्ट कवर कर लेता है। क्वेश्चन में लिखा है टी इक्वल्स टू जीरो पर एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी मीन पोजीशन पर है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, एस एच एम में है ये मीन पोजीशन और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, हम लोग मान लेते हैं यहाँ से इधर चल रहा है, या तो इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा। 1/4 ऑसिलेशन में यहाँ से यहाँ तक गया होगा या यहाँ से यहाँ तक गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो टाइम कितना लगेगा टी बाई फोर और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि 4a बाई टी। सिंपल है ना बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखने में अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि है ये भी इजी। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा मान लो, ठीक है अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप मान लो, ये एक ट्यूब है। ठीक है, इसमें लिक्विड फिल्ड है, एक एंगल थीटा वन और दूसरा थीटा टू दिया हुआ है। ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड इन अ ट्यूब विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एज शोन इन द फिगर। रो डेंसिटी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इफ द लिक्विड इज स्लाइटली डिप्रेस्ड इन वन ऑफ द आर्म्स द लिक्विड कॉलम ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी। हमें क्या फाइंड करना बच्चों, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान देना, इसको यहां से हम लोग थोड़ा सा डिप्रेस कर देते हैं, मान लो हल्का सा, ये था ये लेवल और थोड़ा सा कम करके यहां पकड़ दिया, ये नीचे आएगा तो इसमें लेवल ऊपर आ जाएगा, एंगल अलग अलग है ना। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हाइट भी तो अलग अलग होगा, लेकिन ये डिस्टेंस एक्स ही होगा दोनों में। जितना लिक्विड यहां से जितना कॉलम नीचे जाएगा उतना ही दूसरी तरफ भी आएगा, दोनों आर्म के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर थीटा वन है, यहां पर थीटा टू एंगल है, इसको आप एक्स साइन थीटा टू लिख सकते हो। एक्स था ना परपेंडिकुलर राइट हैंड, ये सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनियस गिवन है तो आप इसको एक्स साइन थीटा लिख सकते हो, ये वाले डिस्टेंस एक्स कॉस थीटा ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा वन। तो टोटल जो डिफरेंस इन हाइट होगा ये हो जाएगा डिफरेंस इन हाइट एच। डिफरेंस इन हाइट से हमें प्रेशर का एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना, रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो जितना प्रेशर में चेंज आ रहा है इनटू एरिया, ऐसा लिख देते हैं। चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी इंटू एच वन प्लस एच टू। यहां पर हम लोग लिख दें एक्स साइन थीटा वन, दूसरा है एक्स साइन थीटा टू। साइन थीटा वन और साइन थीटा टू रहने देते हैं बच्चों, एक्स को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लिया,
ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस रो जी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू ए, ए को भी यहीं लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय एम इनटू एक्स। ये एक्स अलग हो गया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। एक्सेलरेशन को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ रो ए जी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू ओवर एम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई टू पाई, तो आप ऐसा लिख दो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर थ्री में देखो तो यही लिखा है क्या, रो ए जी साइन थीटा वन, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसको मिटाएं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है बच्चों, बस कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ लेना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो बच्चों क्या लिखा है, अ बॉडी रेडिएट्स 3 जूल पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच हीट विल बी रेडिएटेड पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 527 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को बदल दिया गया है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो बच्चों, अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, टी टू दी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। तो यू टू बाई यू वन, इसको क्या लिख सकते हो आप, फाइनल टेम्परेचर है 527 डिग्री सेल्सियस, तो ये केल्विन में आ गया। फिर इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया था, 127 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखा है ना, 273 से ऐड करके ये अब केल्विन में लिख देते हैं, ये 800 हो गया और ये 400 आ जाएगा। एट बाई फोर यानी 16 U1 48, तो एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, 48 जूल, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देना, सॉरी 14 में लिखा है, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायएटॉमिक गैस आर मिक्स्ड, व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। देखो बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, N1CV1 प्लस N2CV2 बाई N1 प्लस N2। 1 मोल है, एक तो मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए आप 3/2R लिख देना, दूसरा डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक के लिए ये 5/2R हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8/2 5 प्लस 3 आ गया ना, 8/2 और डिवाइडेड बाय 2, पहले तो 8/2 को हम लोग 4R लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 2R, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, एक फिगर दिया है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिगर बिलो shows the cyclic process A B C A from for 1 mole of an ideal gas. If A B is isothermal, यहाँ लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, ये isothermal process है,
बी से सी आइसोबैरिक प्रोसेस और सी से ए आइसोकोरिक प्रोसेस, ये तो फिगर में ही क्लियर है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीटी डायग्राम ऑफ साइक्लिक प्रोसेस. हमें क्या चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ चाहिए, पीटी डायग्राम. ठीक है बच्चों, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाएगा ना, यहाँ सी से ए के लिए. फिर देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है वी और टू वी, दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं. पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, ठीक है ना, हमें पीटी ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है. पी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, एन आर बाई वी इंटू टी. वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा प्रेशर, सॉरी स्लोप जो है पीटी ग्राफ का वो उतना ही कम होगा. तो हम लोग टू वी के लिए ये ग्राफ लिख लें और वी के लिए ये ग्राफ. समझ में आ रहा ना बच्चों, ठीक है. अब ए पॉइंट पर प्रेशर है 2p, वॉल्यूम है v, 2p और वॉल्यूम v, यहाँ पर कहीं हम लोग मान लेते हैं पॉइंट A, ठीक है. A से B आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसा एक ग्राफ बनेगा A से B, और B पॉइंट पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2v, देखो v से 2v आ गए. उसके बाद फिर B से C आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ऐसे एक ग्राफ बन जाएगा सी तक के लिए. फिर सी से ए आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम वी कांस्टेंट, ये सी से ए, देख रहे हो ग्राफ. अब चेक करना है कि ऐसा ग्राफ किस में दिया है, ऑप्शन नंबर वन में लिखा है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा. इसमें तो सिंपल है, आपको देखना है, आप ऑप्शंस देख करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना. अगर आइसोथर्मल प्रोसेस ही चेक करोगे ए से बी का, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी तीनों आंसर इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा. अभी मैंने प्रोसेस बता दिया, अब आगे बढ़ते बच्चों. तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिक्स चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन एज शोन इन द फिगर. द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ओ इज, ठीक है. इसमें एक इंफॉर्मेशन ये भी लिखा है, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए. ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि हर एक साइड बराबर है, साइड का लेंथ ए दिया हुआ है. अब यहाँ से सेंटर से आप इसको मिलाओगे तो ये भी ए, ये भी ए, ऐसे सब ए हो जाएंगे ना, 60 डिग्री बनता है. तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है. अब देखो ध्यान देना बच्चों, इस पॉइंट से इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन, इधर हम लोग ऐसे एक्सिस मान लें, इस एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है इससे दूर, आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर एक पॉइंट है. इस पॉइंट पर हमें इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन, हाँ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. देखो ध्यान देना बच्चों, हम लोग ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को एक डाइपोल जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a होगा, ये भी a, ये भी a, 2a. तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं एक डाइपोल इस तरह का है, फिर इसके लिए एक डाइपोल, ठीक है बच्चों, और एक ये डाइपोल, यानी तीन डाइपोल हो जाएंगे, तीनों एक ही पॉइंट से ऐसे पास हो रहा है. ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री. हर एक डाइपोल के लिए जो डाइपोल मोमेंट होगा, हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू इंटू टू ए, ऐसा लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट. अब ध्यान देना, इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, क्या लिखते हैं,
के बाय आर क्यूब, यहाँ आर के बदले एक्स है ना, तो के बाय एक्स क्यूब इन टू पी, ठीक है, के पी बाय एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब ध्यान देना, पी की वैल्यू पुट करेंगे, ये एक के कारण जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन की बात करें, एक्सियल पॉइंट पर जो डायरेक्शन होता है ये डाइपोल एक्सिस के रिवर्स होता है, इस डायरेक्शन में ना डाइपोल एक्सिस, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पर जो पॉइंट होगा ना बच्चों, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो। ये हमने पी से रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर वो डाइपोल एक्सिस के रिवर्स होता है, यानी एक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई, और ई की वैल्यू इसके बराबर है। अब ध्यान देना बच्चों, ये 60, ये 60 है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, सबका रिजल्टेंट इस इधर होगा, और उसको क्या लिख सकते हो आप, ई कॉस 60 प्लस ई कॉस 60 प्लस ई, इसका मतलब टोटल 2e आ जाएगा। देखो, e cos 60 डिग्री प्लस e cos 60 डिग्री प्लस e, तो 2e आ गया। अब आप वैल्यूज को जरा पुट कर दो, 2kp by x क्यूब, k के बदले 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हैं, यहां लिखते हैं बच्चों 2 बाई एक्स क्यूब, k की वैल्यू है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p को क्या लिखेंगे, q इंटू 2a, ठीक है। अब देखो ये 4 इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा, qa डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। अब चेक करते हैं बच्चों कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं। 16 देखो, तो ऑप्शन नंबर 2 में यही लिखा है क्या, क्यू ए डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। देखो 17 का फिगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एवरेज एंड आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर स्क्वायर वेव सोन इन फिगर हैविंग पीक वैल्यू वी नॉट, ठीक है। देखो ये स्क्वायर वेव दिया हुआ है, हमें इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना है और आर एम एस वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों, एवरेज के लिए बात करते हैं, ये प्लस वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव कर वोल्टेज है, सेकेंड हाफ साइकिल में उतना ही नेगेटिव वोल्टेज है। अगर आप ये एरिया और ये एरिया एक टाइम पीरियड की बात करते हैं, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, नेट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो एवरेज वोल्टेज होगा बच्चों वो जीरो हो जाएगा। अब बात करें आरएमएस वोल्टेज की, तो आरएमएस वोल्टेज के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहां से यहां तक वी वन स्क्वेयर टी वन प्लस वी टू स्क्वेयर टी टू डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल ऐसे ही है, बहुत सारे इंटरवल होते हैं, तो सब के लिए हम लोग लिखते वी वन स्क्वेयर टी वन प्लस वी टू स्क्वेयर टी टू प्लस वी थ्री स्क्वेयर टी थ्री, ऐसे लिखते जाते, या आप इंटीग्रेट करते अगर कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है तो। यहाँ तो देखो बच्चों डिस्क्रीट फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ प्लस वी नॉट है, टाइम कितना है, जीरो से टी बाई टू तक, दूसरा माइनस वी नॉट का स्क्वायर, टाइम इंटरवल कितना होगा टी बाई टू से टी, ये भी तो टी बाई टू टाइम ही है ना बच्चों, टी बाई टू, और टोटल टाइम टी के बराबर है, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, देखो तो ये हो जाएगा, टी से तो टी कट जाएगा, वी नॉट स्क्वेयर ऊपर में टू नीचे टू कट जाएगा वी नॉट, तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे बच्चों, 17 हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 में क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन वायर एस और इन द फिगर, एक फिगर गिवन है, हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। ये एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर, और यहाँ एक वायर सेगमेंट है, ये लेंथ एक्स गिवन है, इसका लेंथ एल है, करंट इसमें स्मॉल आई, इसमें कैपिटल आई फ्लो हो रहा है। बस हमें क्या फाइंड करना बच्चों, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखो ध्यान देना, ये जो वायर है जिसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा एक सेगमेंट ये मान लो डी आर, ये इसका लेंथ है और इसका जो डिस्टेंस है ये आर है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान देना, इस डी आर जो वायर सेगमेंट है उस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, पहले उसको फाइंड करेंगे फिर इंटीग्रेट कर दें, आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, और फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल इंटू बी, आई एल क्रॉस बी लिखते हैं। अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, किस तरफ, आपकी तरफ, ठीक है, और करंट कैरिंग वायर जो है उसमें करंट का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, एक इधर एक इधर। तो जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं, आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आई लिख दें, डी आर को ऐसे ही रहने दो, बी की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई और टू पाई, ये सब के सब कॉन्स्टेंट है, बचेगा क्या डी आर बाई आर, ऐसा बचेगा। अब अगर नेट फोर्स फाइंड करना है बच्चों, तो इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स से एक्स प्लस एल के लिए, सिंपल हो गया, म्यू नॉट आई कैपिटल आई बाई टू पाई, यहाँ पर इसका लॉग आर होता है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग एक्स प्लस एल माइनस लॉग एक्स, तो लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लोग लॉग ए बाई बी लिखते हैं ना, डिवाइड कर दें, समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो तो कोई आंसर मैच किया या नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा लिखा है, म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई बाई टू पाई लॉग एक्स प्लस एल बाई एक्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो बच्चों 19 में क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट एम, कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2d अपार्ट विद एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन देम इज, एक ये बार मैग्नेट है, और एक बार मैग्नेट ये स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या दिया था 2d, तो ये डिस्टेंस भी हम लोग यहां पे d मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी d है बच्चों, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर होगा, b1 नाम दे दो, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल है ना ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलो खैर जो भी है, परपेंडिकुलर होंगे, इतने से हमारा काम हो जाएगा बच्चों।
बी वन की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं म्यू नॉट इंटू टू एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 4 पाई और डी क्यूब, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2m बाई डी क्यूब। जबकि बी टू की बात करें, एक्सियल पॉइंट है ना, तो यहाँ पर 2m नहीं आता बच्चों, ये आएगा m बाई डी क्यूब ऐसा, ठीक है। तो बी वन मिल गया, बी टू मिल गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ बी वन स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर, इन दोनों में म्यू नॉट बाई 4 पाई एम और डी क्यूब बाहर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बचेगा यानी रूट 5। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं रूट 5 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यूब। अब देखो कोई आंसर इसमें मैच कर रहा है या नहीं, रूट 5 के पहले और फोर्थ में ऐसा रूट 5 लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 उसमें यही लिखा है रूट 5 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यूब, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 में तो 4 नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, इन द गिवन डायग्राम अ रॉड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद मास ओमेगा, फिर क्या लिखा है, मास ऑफ दिस रॉड इज स्मॉल एम चार्ज क्यू एंड लेंथ एल, मास दिया है, चार्ज दिया है, लेंथ भी दिया है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रॉड। हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, प्रोसेस से भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें थोड़ा लेंदी होगा, हम लोग एक कॉन्सेप्ट इसका यूज़ करते हैं। देखो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसका मास एम है, चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, ठीक है ना। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है ये क्यू बाई 2m, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है ऐसे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो ये वैल्यू हमें पहले से पता है बच्चों, ये फॉर्मूला ये यूज़ करना है। अब बहुत सिंपल हो गया, m इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2 स्मॉल m इंटू l, l की वैल्यू लिखेंगे i इंटू ओमेगा, i क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 और ओमेगा, m से m कट जाएगा ना बच्चों, तो ये रिजल्ट आ जाएगा क्यू ओमेगा एल स्क्वेयर ओवर 6। कोई आंसर मैच कर रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है बच्चों क्यू ओमेगा एल स्क्वेयर बाय 6, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंटीजर टाइप में आ जाते हैं बच्चों, इसको मिटाएं, इंटीजर टाइप देखो बच्चों, अब इस सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, हमें इंटीजर के फॉर्म में आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा है 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पी एंड क्यू हैव हाफ लाइफ्स 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एक का टाइम पीरियड दिया है 10, दूसरे के लिए 15 मिनट्स। फ्रेशली प्रिपेयर्ड samples of each isotopes initially contain the same number of atoms as another, yani number of active nuclei initially dono mein same hai, fir likha after 30 minutes the ratio of number of atoms of q by the number of atoms of p will be, theek hai, to isko solve karte hain। dekho bachcho p aur q do alag alag elements hum log maan lete hain, do alag alag radioactive samples hain,
ठीक है, पी के लिए 10 मिनट्स दिया हुआ है और क्यू के लिए 15 मिनट्स, ये हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो 30 मिनट में इसके तीन हाफ लाइफ होंगे। एन पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन नॉट बाय 2 to the power 3, तीन हाफ लाइफ है इसलिए। और यहाँ पर 30 मिनट में इसका दो हाफ लाइफ होगा ना बच्चों, दो हाफ लाइफ, इसका मतलब आप क्या लिख दोगे, एन नॉट बाई 2 to the power 2। अब हमें क्या चाहिए, क्यू का नंबर ऐसे है ना, एन क्यू बाई एन पी, यही तो चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी 30 मिनट्स के बाद। तो इसमें एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 4 ये 2 to the power 2 यानी 4 नीचे आ जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। सिंपल है ना, ये भी इसको मिटाएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट्स ए एंड बी। इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज कैप्ट अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो फिगर दिया है उसको अगर हम लोग समझे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन इस, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग एक स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर है। ठीक है, सॉरी करंट कैरिंग वायर नहीं, एक चार्ज है, लीनियर चार्ज, ठीक है ना, उसके लिए चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है बच्चों लैम्डा। और इससे देखो यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट नीचे है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं, ये पॉइंट ए है 3, 4, -6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3, 4, 0। तो जेड एक्सिस के साथ अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करोगे ना बच्चों जेड एक्सिस से, तो ये जेड कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, 3 और 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3² + 4। कहने का मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 0, इसको मिला दें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, -6, नेगेटिव जेड एक्सिस है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ लिखा है -z, तो बस हो गया और हमें कुछ नहीं देखना। यह डिस्टेंस आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो 5 यूनिट आ जाएगा ना, 3 - 0² फिर इस तरह से 4 - 0, ये तो जेड कोऑर्डिनेट्स तो कट ही जाना है बच्चों। ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 5 ही आएगा। तो जब डिस्टेंस सेम है, एक लाइन चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2k λ/r लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो दोनों के लिए r सेम है, लेमडा सेम है, डायरेक्शन इस पर भी रेडियली आउटवर्ड, इस पर भी रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, हमें उसका रेशियो चाहिए, रेशियो क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है, ई ए इक्वल्स टू ई बी, देयरफॉर ई ए बाई ई बी इक्वल्स टू 1, रेशियो 1 है, तो अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ई ए बाई ई बी हो या ई बी बाई ई ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 200 ओम रेसिस्टेंस एंड 1 हेनरी इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सर्किट। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें रेसिस्टेंस गिवन है, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है ना उसको कलेक्ट करते हैं, ऐसा लिखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लिख लें, एफ लिख देते हैं,
200 बाई 2 पाई, ये लिखा है। देन द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई इन विल बी इन डिग्री, डिग्री में हमें बताना है फेज डिफरेंस। पहले एक्सएल की वैल्यू लिख ले, क्या होता है ओमेगा एल। टू पाई एफ, ये तो 200 हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया 200 ओम, आर भी है 200 ओम। फेज डिफरेंस लिखना है 10 phi इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वी आई के बीच फेज होगा ना, ऐसा लिखते हैं 1 आ गया, यानी phi की वैल्यू होगी 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन, क्योंकि हमें आंसर करना है डिग्री में, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, फिगर थोड़ा लेंदी दिया है लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन के वन इज क्लोज्ड बैलेंस लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ इन सेंटीमीटर व्हेन के टू इज क्लोज्ड। एक बार फिगर ड्रॉ कर ले, क्वेश्चन नंबर 4, ये इंटीजर टाइप है। ठीक है बच्चों, इंटीजर टाइप का फोर्थ क्वेश्चन। देखो ऐसा दिया है, पहले ये वाला जंक्शन कहाँ था, के वन पर, तो जब इसको के वन पर रखते हैं बैलेंसिंग लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगा, यानी इस दो पॉइंट, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों इक्वल होंगे। अब ठीक बीच में लगा दिया, यानी ये भी आर है ये भी आर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल हाफ हो जाएगा बच्चों, ये दोनों सीरीज में है ना, एक ही करंट जा रहा होगा। तो पहले था आई इंटू टू आर पोटेंशियल डिफरेंस, अब हो जाएगा आई इंटू आर, तो अब हाफ हो गया। पहले 100 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा था, अब उसका हाफ हो जाएगा, यानी आंसर 50 सेंटीमीटर। कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चों। 5 में एक फिगर दिया है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। टू फिफ्टी है, ठीक है, और यहाँ पर 1 किलो, इतना इन्फॉर्मेशन दिया। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों क्या लिखा है। अ जेनर डायोड, ये है जेनर डायोड, हैविंग ब्रेकिंग वोल्टेज इक्वल्स टू 15 वोल्ट, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है बच्चों वो कितना दिया है 15 वोल्ट,
इज यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर. द करंट थ्रू द डायोड इन मिली एम्पियर विल बी. ये जो डायोड है इससे कितना करंट मिली एम्पियर में फ्लो हो रहा होगा हमें यह फाइंड करना है. एक बार देखें, यहां पर 20 वोल्ट है, यहां पर 15 वोल्ट, यहां पर भी कितना होगा बच्चों, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो 15/1 किलो ओम यानी कि इससे जो करंट जाएगा 1 मिली एम्पियर करंट जाएगा, सॉरी 15 है ना, 15 मिली एम्पियर करंट जाएगा. देखो 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम यानी 10^3. तो जो करंट होगा इसको आप 15 मिली एम्पियर लिख सकते हो इस ब्रांच में. फिर देखो बच्चों, यहां पर अगर 15 यहां है पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 5 वोल्ट का, क्योंकि टोटल 20 वोल्ट था. तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें जो करंट होगा वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, 5/250 यानी कि 1/50 एम्पियर को आप ऐसे लिख सकते हो 1000/50 मिली एम्पियर, ठीक है ना. अब ये देखो 20 टाइम्स में कट रहा है 20 मिली एम्पियर, तो यहां से करंट जाएगा 20 मिली एम्पियर, ये करंट है 15, तो इसमें 5 मिली एम्पियर करंट जाएगा ना, जंक्शन लॉ अगर आप यूज करोगे अप्लाई करोगे यहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 मिली एम्पियर. ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो बच्चों आज का हम लोग वीडियो यहीं पर एंड करते हैं. आप सब अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीसी गुप्ता, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री. तो आज हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन DTS 4 JEE केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन, दिस इज मेजर नंबर 7. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल सोल्व करेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए रवि सर सोल्व आपको करवाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल का. देखो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 127 है, और फिर सेक्शन डी इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 123 है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 mm सॉल्यूशन ऑफ KI एंड सुक्रोज आर 0.432 एंड 0.24. द वांट ऑफ फैक्टर फॉर KI हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है 0.01 मोलर KI तथा सुक्रोज के विलयन का जो पराशरण दाब है वो दिया हुआ है. ठीक है, हमें KI के लिए वांट ऑफ गुणांक निकालना है. तो देखो सोल्व कैसे करें, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT. पाई क्या होता है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, आई होता है या आयोटा बोल दो इसको, आयोटा होता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, सी होता है मोलैरिटी, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और टी टेम्परेचर, ऑलवेज चलेंगे केल्विन में. तो अप्लाई कर दो 4KI क्या होगा, पाई की वैल्यू कितनी है, KI के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 0.432, वांट ऑफ फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब देखो मोलैरिटी कितनी है इसके लिए 0.01 mm, और दोनों के लिए सेम है, R और T भी दोनों के लिए सेम है, तो वैल्यू पुट करने की नीड है नहीं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फॉर सुक्रोस पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 0.24 एटमोस्फियर इक्वल टू, और सुक्रोस के लिए आई कितना होता है, वांट फैक्टर 1 × कंसंट्रेशन सेम है, आर सेम रहेगा, टी सेम रहेगा, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.432 अपॉन 0.24 इक्वल टू, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, वन टू फैक्टर आ जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो आप. ठीक है, और सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 1.8. क्लियर. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. 1 mole ऑफ SO3 वाज प्लेस्ड इन ए 2 liter वेसल, वॉल्यूम कितना है, 2 liter है. एट सर्टेन टेम्परेचर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वॉज एस्टेब्लिश इन वेसल, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. ठीक है, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिएक्ट विथ 0.2 mole ऑफ KNO4 इन एसिडिक सॉल्यूशन. ठीक है, क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट KC, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट KC, 1 mole SO3 गैस
दो लीटर के बंद पात्र में है, तापमान नियत साम्य है, साम्य मिश्रण से अभिक्रिया के लिए अम्लीय माध्यम में क्या होता है 0.2 मोल K1O4 रिएक्ट करता है, तो KCl हमें निकालना है। तो KCl के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है, 2SO3 क्या है, 2SO3 गैस गिव्स टू 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, क्लियर। वॉल्यूम टी लीटर है, टू लीटर है, टी इक्वल टू जीरो इनिशियल। SO3 के कितने मोल लिए हमने, 1 मोल, तो 100। अब इक्विलिब्रियम में हम मानते हैं कि टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 - x मोल रिएक्ट करते हैं, 1 में से x मोल रिएक्ट करते हैं। तो देखो इसके 2 मोल से 2 मोल ही बनेंगे ना, तो x मोल से इसके x मोल ही बनेंगे, इसके 2 से 1, तो x से x बाई 2 बनेंगे बेटा, क्लियर, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसके मोल कितने बचे, 1 - x, इसके x, इसके x बाई 2। अब हमें वैल्यू चाहिए x की। अब क्या दिया हुआ है कि K1O4 रिएक्ट करता है किससे, अब आपको ये दिमाग लगाना है कि K1O4 का ON देखो MN का +7 है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग OA है, यानी ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज किस करेगा, इसका तो +6 है, SS3 में S का तो +6 है, तो इसको तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, SO2 को कर देगा +4 SO2 में, और किस में करेगा, SO4- यानी +6 में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लियर। इट मीन्स क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO2, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो दोनों के, और ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूले को कौन सा होता है, मोल इनटू VF, ठीक है, W अपॉन E, N इनटू V। अब यहाँ अपने पास मोल है ना, क्या लगाएंगे, मोल इनटू VF, तो KMnO4 के मोल इंटू वैलेंस फैक्टर इक्वल टू SO2 के मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। KMnO4 के मोल गिवन है क्या, 0.2 मोल, और एसिडिक मीडियम में इसका VF 5 होता है, बिकॉज ये कन्वर्ट होता है किसमें, Mn+2 में होता कि नहीं होता, यहाँ +7 है +2 है, और VF क्या होता है, चेंज इन ON पर मोलिक्यूल, प्रति अणु ON में परिवर्तन, तो इसके एक अणु एक मोलिक्यूल में 7 से 2 5 का चेंज हो गया ना, ठीक है, तो इंटू 5। इसके मोल कितने बेटा, क्योंकि एक्स मोल है, और VF कितना है, ये चेंज किस में हो रहा है, +4 से +6, कितना चेंज हुआ, पर मोलिक्यूल 2 का चेंज हुआ, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 0.5 आ गया, यानी मोल आपके आ गए, वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें एक्स की, तो यहाँ एक्स 0.5 पुट कर दी, क्या हो जाएगा, 1 - 0.5 यानी 0.5, यहाँ भी 0.5, और ये 0.5/2 हो गया। अब 0.5 बोल दे, 1/2 बोल दे, बात तो एक ही है। अब ये तो मोल आए हैं, अब डिवाइड किससे करेंगे, वॉल्यूम से, क्योंकि केसी में कहते हैं मोलरिटी, तो 1/2 को, या इसको 1/2, एक ही बात है ना, 1/2 में 2 से डिवाइड करेंगे, 1/4 होगा कि नहीं होगा, ये भी क्या होगा बेटा, 1/4, और ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 1/2 है अपॉन 2, यानी 4 तो है, और 1/8 हो जाएगा, क्लियर। अब केसी क्या होगा, दिस का स्क्वायर इंटू दिस अपॉन दिस का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, SO2 का स्क्वायर अपॉन SO3 का स्क्वायर, दोनों की मोलरिटी सेम होना, कैंसिल होगी कि नहीं होगी, तो फाइनल क्या बचेगा, मोलरिटी ऑफ O2 यानी 1/8, और 1/8 क्या होता है, 0.125, क्लियर। और ऑप्शन ऐसा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है, तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थ्री पढ़ते हैं, थ्री में क्या गिवन है, व्हाट शुड बी द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा, डेल्टा HF नोट यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, मर्क्यूरी लिक्विड की 0, गैसेस की 60.8, और स्टैंडर्ड एंट्रोपी लिक्विड और गैस दोनों की गिवन है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक हमें निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, हीट
अपॉन टेम्परेचर, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है क्या होती है, एंथैल्पी चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एच अपॉन टी। क्लियर? अभी सारे के सारे डेटा किस पे दिए हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या करना आपको, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच, अब स्टैंडर्ड ले लें तो डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट। क्लियर? अब डेल्टा एच नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा एस नोट की निकाल लेंगे। डेल्टा एच नोट की वैल्यू कितनी है, देखो रिएक्शन क्या लिखेंगे, किसके लिए, बॉइलिंग के लिए। क्या होगा, मर्क्यूरी लिक्विड से कन्वर्ट किस में होगी, मर्क्यूरी गैस में। एंथैल्पी की वैल्यू रख देते हैं बेटा, लिक्विड की जीरो है और इसकी 60.8 यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल है। तो फाइनल डेल्टा एच क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर ही होता है, तो डेल्टा एच नोट की वैल्यू जाएगी 60.8 किलो जूल को जूल में कर लें, ठीक, जूल पर मोल, माइनस जीरो करने की कोई मीनिंग नहीं है। एंट्रोपी क्या है, क्या है, लिक्विड की एंट्रोपी है 77.4, इसकी अब 174.4 यूनिट क्या है बेटा, जूल है। देखो ये किलो जूल था, मैंने जूल में कर लिया ऑलरेडी, ये जूल है, दोनों में हम कैसे करते हैं जूल, और यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन मोल। तो डेल्टा एस नोट क्या होगा, वही सेम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 174.4 माइनस 77.4 यानी कितना आएगा, ये 74 और 3 का डिफरेंस 97 हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो बीपी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस नोट दिस अपॉन दिस, तो देखो टी क्या हो गया आपका 60800, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है, अपॉन 97। अब देखो 100, अगर ये 100 होता तो 608 आता, बट 97 का मतलब तो इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब ज़्यादा आएगा तो हम सोल्व कर लेंगे डिवाइड करके, ये तो शोर हो गया 608 से ज़्यादा आएगा, तो सोल्व करने से आएगा ये अप्रॉक्सीमेट 626 के आसपास आएगा, ठीक है, डिवाइड कर लेना आप। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 626.8 आपका सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एट व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ SO2 VMP ऑफ SO2 मॉलिक्यूल हैव द सेम वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल इक्वल टू VRMS ऑफ O2, और SO2 का टेम्परेचर में कैलकुलेट करना है, यानी किस तापमान पर, हिंदी में क्या देखो, किस तापमान पर SO2 अणुओं का अधिकतम प्रायिक वेग VMP क्या होगा, O2 अणुओं की 300 पर वर्ग माध्यम मूल वेग के इक्वल होगा, इसका तापमान 300 दिया हुआ है। तो देखो VMP का फॉर्मूला क्या होता है, √2RT अपॉन m, रूट क्या होता है 2RT, तो 2R इसका टी में निकालना है, m मोलर मास कितना होता है SO2 का, 32 + 32 = 64 इक्वल टू क्या होगा, VRMS क्या होता है √3R, इसका टी कितना दिया हुआ O2 का, O2 का टी दिया हुआ है टेम्परेचर 300 केल्विन, तो इंटू 300 अपॉन मोलर मास O2 कितना है 32, कितना है 32 है। क्लियर? अब क्या कर देंगे, रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, R से R कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 32 टाइम जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो T इक्वल टू क्या हो गया 300 × 3 बोले तो 900 केल्विन। क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, 5 में भी क्या दिया बेटा, दो रिएक्शन दी हुई आपको, फॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर इन 2 स्टेप्स, स्टेप 1 है स्टेप 2 है, और दोनों में क्या है, इफ 62 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस लिया हमने, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी P4 कंप्लीट रिएक्ट करेगा, ठीक है, और फर्स्ट की जो परसेंटेज यील्ड है वो 85% है, सेकंड की 90% है, तो कितना H3PO4 बनेगा, ठीक है। तो देखो हम रिएक्शन लिखते हैं, सोल्व करते हैं, यहाँ तक हिंट आप नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 5,
रिएक्शन लिखता हूँ मैं, फर्स्ट रिएक्शन है पी फोर प्लस फाइव ओ टू गिव्स टू पी फोर ओ टेन, और इसकी जो प्रतिशत लब्धि परसेंटेज यील्ड है 85%। सेकंड है पी फोर ओ टेन रिएक्ट विथ वाटर गिव्स टू एस थ्री पी ओ फोर प्लस, ठीक है फाइनल प्रोडक्ट बन गया, इसकी परसेंटेज यील्ड है 90%। क्लियर। अब इसके कितने ग्राम लिए हमने, पी फोर लिया हमने 62 ग्राम, तो मोल कितने होंगे, वेट इन ग्राम और मोलर मास, पी का मोलर मास होता है कितना 31, तो कितने एक मोलिक्यूल में 4 है, तो 4 × 31 कितना हो गया, 4 × 31 कितना हो गया, 2 times जाएगा 22 यानी 1/2 इसके मोल हो गए हाफ। अब देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है तो हाफ मोल से हाफ मोल बनेंगे, क्लियर, बट परसेंटेज यील्ड कितनी है 85% ही है, यानी 85% ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। होती क्या ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकली कितने बनते हैं × 100, ठीक है। तो ये कितना बनेगा एक्चुअल में, हाफ से हाफ बनना चाहिए ना, बट हाफ इंटू क्या होगा इसका 85% ही बन पाएगा, यानी हाफ इंटू 0.85 मोल बनेंगे किसके, P4O10 के। अब ये जो P4O10 में यहाँ पे आएगा ऐसे कैसे, तो कितने मोल अपने पास, हाफ इंटू 0.85, ठीक है बाकी एक्सेस में ही। अब इसका यील्ड कितना है 90% है। अब रिएक्शन बैलेंस देखो, इसके 1 मोल से इसके 4 बनने चाहिए ना, तो 1 से बनने चाहिए 4, कितने एक्चुअल में हाफ इंटू 0.85 से कितने बनने चाहिए 4 × ½ × 0.85। अब ये तो थ्योरेटिकली बननी चाहिए, अब परसेंटेज यील्ड कितनी है 90% है, तो इसका 90% ही बनेगा 90/100, और इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2 से 2 times चल जाएगा, ठीक है ये 0.9 हो गया, तो 2 से कम यानी आपका कितना हो जाएगा, और ये तो आगे मोल, और ये पूछ रहा है ऑप्शन में दिया आपको, पूछ क्या रहा है ये मास पूछ रहा है, तो इसके मोलर मास भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास कितना होता है इसका 98, कितना होता है 98 होता है, ठीक है। तो अगर अप्रोक्सीमेट इसको 100 ही मान लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया 92 का डबल 180 से थोड़ा कम होगा, तो 180 से कम ऑप्शन में क्या है बेटा, 180 से जस्ट कम कौन सा है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड थोड़ा कम है, थर्ड तो बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या आ जाएगा फाइनल 149 यानी 150 के आसपास आ जाएगा, 150 ग्राम, या एक्चुअल क्या होगा 149.949 ग्राम, तो अप्रोक्सीमेट से आपको आइडिया चल गया, पूरा आपको कैलकुलेट करना नहीं है, क्लियर बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, 6 में क्या दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड यानी ई नोड की वैल्यू आपके पास, ई नोड सेल है प्लस 1.33 वोल्ट, क्लियर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पीएच इक्वल टू 2, पीएच कितने गिवन है 2, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 10^-2 m हो जाएगा, सेल रिएक्शन क्या है Cr2O7-2, डाइक्रोमेटाइन एक्वस है, कंसंट्रेशन कितनी इसकी 1 m, मोलरिटी 1 है, प्लस 14H+, और H+ की जो कंसंट्रेशन है कितनी है 10^-2 m है, बिकॉज pH इक्वल टू 2 गिवन है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू 2 chromium + 3 aqueous, क्रोमियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन अगेन 1 m है, प्लस 7H2O, क्लियर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट pH इक्वल टू 2, pH इक्वल टू पोटेंशियल, तो क्या लगाएंगे इसमें, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.059/n log Q, क्लियर, तो ई सेल क्या होगा, ई नोड सेल कितना गिवन है 1.33 माइनस 0.059/n क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस रिएक्शन, तो रिएक्शन बैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैं 6, तो n क्या हो जाएगा 6 log Q, क्या होता है
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या आएगा, क्रोमियम प्लस थ्री एक्वस वन है, ठीक है, अपॉन दिस इंटू ये वन होगा, तो वन लिखने को मीनिंग है नहीं, तो अपॉन क्या हो जाएगा एच प्लस की वन अपॉन एच प्लस की कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी बेटा 14, बाकी वन वन हो गए तो वन से वन के तो मीनिंग नहीं, वन से वन के आंसर वन रहेगा, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं आगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 6 है, एक काम कर लेंगे, चलो लोग एच प्लस की कंसंट्रेशन है 10 पर माइनस 2 और 10 पावर माइनस 2 की पावर 14, क्लियर, ठीक है। इसको मैं सोल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 1.33 माइनस इसको 0.06 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट के लिए, और यहाँ ध्यान दे लोग 10 पावर 1 अपॉन 10 पावर माइनस 28, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा प्लस 28 बनेगा, और लोग 10 पावर 28 क्या होगा 28 log 10 log 10 की वैल्यू 1 यानी 28 आ जाएगा, यानी इट मींस क्या हो गया 1.33 माइनस ये क्या होगा 0.28, ये आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1.33 में से 0.28 कम कर दो, इट मींस क्या बचेगा 1.05 वोल्ट, ऑप्शन चेक करो ऐसा है क्या, ऑप्शन 1.05 का फोर्थ गिवन है, तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ, क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, सेवन देखते हैं क्या गिवन है, फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड आइसोथर्म ऑफ द टाइप एस ऑन द नियर द पॉइंट ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड क्या होगा, अब देखो पॉइंट ए के पास देखें तो एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, तो ए पे प्रेशर बहुत कम है, बी पे प्रेशर ज़्यादा है, तो लो प्रेशर पे क्या इक्वेशन होगी, तो वान डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल क्या होता है एन आर टी, क्लियर। अब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके कंपेयर में एन बी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या मान लेंगे इसको नेगलिजिबल मान लेंगे, ठीक है, तो अब सोल्व कर लेंगे इसको, क्या बन जाएगा पी वी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी इक्वल टू एन आर टी, अब एन आर टी से डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा पी वी अपॉन एन आर टी प्लस डिवाइड करो ए एन अपॉन क्या बन जाएगा वी आर टी इक्वल टू वन, अब देखो जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है पी वी अपॉन एन आर टी, ये जेड हो गया तो जेड कुल क्या हो गया वन माइनस ए एन अपॉन वी आर टी, ठीक है, तो ऑप्शन चेक करो बेटा वन माइनस फर्स्ट रहोगे सेकेंड रहोगे थर्ड वन प्लस फोर्थ आएगा, एन क्यों नहीं है एन क्या मान लिया हमने वन मोल, क्लियर बेटा, तो क्या आएगा फोर्थ एन इक्वल टू वन मोल, तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन वी आर टी, तो ऑप्शन फोर करेक्ट है, क्लियर बेटा। अब बात करते हैं सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1 की, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ ए बेस बी ओ एच, बेस है बी ओ एच, ठीक है बी ओ एच बेस है, इसके लिए यानी वीक बेस हो गया, के बी गिवन है, के बी की वैल्यू है 1 × 10^-12, क्लियर। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस इन 0.01 mm एक्वा सॉल्यूशन, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 mm है या 10^-2 mm हम बोल सकते हैं, क्लियर, ऑफ द बेस इज, अब द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस इन, वी हैव टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस यानी ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो क्या होता है वीक बेस के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस क्या होता है रूट के बी इंटू सी, के बी बहुत कम है वैल्यू पुट कर दे हम, तो क्या हो जाएगा के बी की वैल्यू कितनी है 1 × 10^-12, सी कितना है -2 कितना हो गया
माइनस 14 हो गया क्या, और माइनस 14 का रूट क्या होगा, 10 पर माइनस 14 का रूट 10 पर माइनस 7। अब देखो यहाँ से अगर OH- की कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10 पर माइनस 7 तो POH कितनी हो गई डायरेक्टली 7 हो गई, और 7 किसकी होती है न्यूट्रल की, सॉल्यूशन बेसिक है और बेस की pH मोर देन 7 आनी चाहिए। इट मीन्स इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। इस केस में क्या होगा, वाटर वाले OH- भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, तो pH 7 नहीं आएगी। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH- माइनस क्या होगा, 10 पर माइनस 7 किससे, फ्रॉम BOH, एंड 10 पर माइनस 7 हम फ्रॉम वाटर, वाटर भी ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 पर माइनस 7। अब क्वेश्चन में कितना है कंसंट्रेशन गिवन है, एक्स इंटू 10 पर माइनस 7, वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ रही है, एक्स इक्वल टू 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं हम, 6 इंटू 10 पर माइनस 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट कंप्लीटली विथ 9 इंटू 10 पर माइनस 3 मोल ऑफ एक्स प्लस एन एंड गिव्स टू XO3 माइनस एन क्रोमियम प्लस 3, वैल्यू ऑफ एन हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब कंप्लीटली रिएक्शन होगी मीन्स क्या होगा, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स प्लस एन, क्लियर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला क्या होते हैं, तीन होते हैं, कौन कौन सा, मोल इंटू वी एफ, सेकेंड क्या होता है डब्ल्यू अपॉन ई, थर्ड क्या होता है एन इंटू वी। तो यहाँ अपने को अमाउंट दिया हुआ है किसमें, मोल में, तो क्या कर देंगे, मोल ऑफ पोटेशियम मोल इंटू वी एफ, इसके लिए क्या अप्लाई कर देंगे, मोल इंटू वी एफ, क्लियर। पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल कितने हैं, 6 इंटू 10 पर माइनस 3, वी एफ कितना होगा, देखो रिएक्शन क्या होगी, के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एक्स प्लस एन गिव्स टू, अब देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ओ ए है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, क्रोमियम प्लस 3। अब इसका रिडक्शन हो गया यानी यहाँ पे ओ एन प्लस 6 है, यहाँ कितना है प्लस 3, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी क्या बनेगा, XO3 माइनस कितना होना रहा, प्लस 5, क्लियर। अब VF क्या होता है, चेंज इन ON पर मॉलिक्यूल, X प्लस N का ON क्या है, प्लस N है, ठीक है। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इसके 2 है, तो 1 का 6 2 का 12, यहाँ पे 1 का 3 2 का 6, तो कितना चेंज हुआ पर मॉलिक्यूल, 12 से 6 यानी 6 का चेंज हो गया, तो इसका VF कितना हो गया, 6 कितना हो गया, 6 हो गया, क्लियर। इक्वल टू मोल्स ऑफ एक्स प्लस एन, कितने मोल हैं, 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल है, इसका वी एफ क्या होगा, देखो एन से इंक्रीज, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एन से इंक्रीज होके 5 प्लस 5 जाएगा, तो चेंज क्या हो गया, इसका चेंज कितना आया, 5 माइनस एन, क्या चेंज आया, 5 माइनस एन, चेंज के लिए क्या लेंगे, अपर ओ एन माइनस लोअर ओ एन, या हायर ओ एन माइनस लोअर ओ एन, तो इंटू 5 माइनस एन। अब सोल्व करके हम क्या कर लेंगे, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 6 इंटू 6 कितना होता है, 36, कितना होता है, 36 अपॉन उधर से क्या आएगा, 9 इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस एन, इसको सोल्व करके कितना हो गया, 4, तो एन इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, क्लियर बेटा। तो सिंपल था, क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल है टी रेस्ट द पावर 3,
टी के क्यूब के, एक रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान एक गैस का जो दाब है ठीक है इसके परम ताप की घात की 3 के समानुपाती पाया गया। तो इसके लिए क्या करना है, सी पी अपॉन सी वी का रेशियो कैलकुलेट करना है, वो एन बाई टू है और एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ठीक है। तो सी पी अपॉन सी वी की वैल्यू है एन बाई टू और हमें एन कैलकुलेट करना है, इसको हम क्या बोलते हैं गामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं गामा, अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट गामा। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व कर दो क्या आ जाएगा, पी टी रेस्ट द पावर माइनस 3 को क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया। अब एडियाबेटिक के लिए क्या अप्लाई करेंगे, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बट यहाँ पर रिलेशन क्या है पी में और टी में, तो वी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वी इक्वल टू क्या होगा एन आर टी अपॉन पी, एन आर क्या जाएंगे कॉन्स्टेंट में जाएंगे, इट मीन्स क्या हो गया पी रेस्ट द पावर 1 माइनस गामा टी रेस्ट द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमें फंक्शन क्या बनाना है, पी की पावर 1 करनी है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई गामा, 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दें, तो पी टी रेस्ट द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन गया क्या फाइनल। अब दोनों अगर इक्वल कर दें तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस 3, और यहाँ से गामा कैलकुलेट कर लेंगे हम ठीक है। तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 गामा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गामा इक्वल टू 3 हो गया बेटा, तो गामा इक्वल टू क्या हो गया 3 बाई 2, और यहाँ कितना गिवन है भाई फाइनली गामा इक्वल टू क्या आया 3 बाई 2, और यहाँ कितना गिवन है एन बाई 2, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 0.3। क्लियर बेटा, तो इसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री हमने सोल्व कर लिए, अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के पोर्शन के लिए रवि सर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय सी एल जी। हेलो, हाँ बच्चों कैसे हो, बढ़िया। माई सेल्फ डॉक्टर रवि जांगड़, मैं आप लोगों को आगे का जो पेपर है ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का वो सॉल्व करवाऊंगा ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 से लेके 20 और फिर इंटीजर टाइप में जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है मुझे, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्पीसीज पॉइंट आउट द स्पीसीज फ्रॉम ईच सेट हैविंग द लीस्ट एटॉमिक रेडियस, मतलब मुझे हर एक में से जिसकी सबसे कम रेडियस है उसे निकालना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले पी वाला क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है हमारा, उसमें सबसे पहले पी ऑप्शन, ओ माइनस 2 दे रखा है मुझे, मुझे एफ माइनस दे रखा है और मुझे एन ए प्लस दे रखा है ठीक है। इन सब में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो जेड इफेक्टिव लग रहा है, सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो इसकी साइज क्या होगी सबसे कम होगी, एन ए प्लस की साइज यहाँ पे सबसे कम होगी, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो लगेगा वो एन ए प्लस में सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यू के अंदर, क्यू में हमें दे रखा है निकल दे रखा है, कॉपर दे रखा है और जिंक दे रखा है। भैया पढ़े होंगे आप लोग डी ब्लॉक में पढ़ते हो कि यहाँ पे निकल जो होता है उससे ज़्यादा रेडियस कॉपर की होती है और उससे ज़्यादा रेडियस जिंक की होती है, तो सबसे छोटा कौन है अपने पास यहाँ पे निकल है। नेक्स्ट वॉल में हम लोग देखें हमें क्या दे रखा है, लिथियम दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, लिथियम है, बेरिलियम है एंड मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से है, ये लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे आता है, तो मैग्नीशियम का साइज बेरिलियम से ज़्यादा और लिथियम का साइज बेरिलियम से ज़्यादा है, क्योंकि एक पीरियड में साइज कम होती जाती है, एक ग्रुप में साइज बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा साइज है मेरे पास वो कौन हो गया, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। नेक्स्ट मुझे दे रखा है एस के अंदर हीलियम दे रखा है, लिथियम प्लस दे रखा है और एक मुझे एच माइनस दे रखा है। तो देखो भैया यहाँ पे अगेन ये जो H माइनस है, सॉरी Li प्लस जो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दे रखी है मुझे दो दो इलेक्ट्रॉन की, तो इसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी साइज क्या होगी सबसे कम हो गई। तो अब देख लो इसमें कौन सा सेट है, सेकेंड वाला सेट हो जाएगा जिसमें मुझे Na प्लस निकल बेरिलियम लिथियम प्लस ये आंसर दे रखा है। चले हम लोग आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग, I3 प्लस दे रखा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 में I3 प्लस दे रखा है,
और एक मुझे I3 माइनस दे रखा है। यहां पे इसकी शेप कैसी होती है, वी शेप, या फिर हम लोग कह देते हैं बेंट शेप, वी शेप और बेंट शेप। ये कैसा होता है, ये लीनियर होता है अपने पास में, सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लॉन पेयर, बॉन्ड एंगल। अब देखो भैया, ज्योमेट्री तो इनकी अलग है ही है। अगर वी शेप है, यहाँ पे लीनियर है, लीनियर है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 होगा, और यहाँ पे जब वी शेप है, बेंड शेप है, तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 104 105 डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होगा। और क्योंकि सेम है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली लॉन पेयर भी क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। इसमें नंबर ऑफ लॉन पेयर कम होंगे, इसमें नंबर ऑफ लॉन पेयर क्या होंगे, I3 माइनस में ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो तो चार्ज देखते ही बता सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो सीधा सीधा क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, ना ज्योमेट्री सेम है, ना नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम है, और ना ही बॉन्ड एंगल सेम हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल लीनियर है तो 180 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 104 105 के आसपास होगा। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है हमें, हमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखना है कि सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका है। तो देखो भैया, सबसे पहले मुझे ये NO2 दे रखा है, NO2 है तो ये कैसा है, विदड्रॉइंग ग्रुप है, डाइपोल मोमेंट मेरे पास अपवर्ड होगा। डाइपोल मोमेंट Q×D होता है, आप लोगों को पता है, और साथ में ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये अपवर्ड, मैंने NO2 जो है वो विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो अपवर्ड की तरफ ये मैंने लगा दिया। अगला क्या दे रखा है मुझे, NO2 NH2 दे रखा है, यहाँ पे NO2 दे रखा है, इधर NH2 दे रखा है, ये तो अगेन विदड्रॉइंग नेचर है, लेकिन इस बार ये जो NH2 है इसका कैसा इफेक्ट लगेगा भैया, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी विदड्रॉ कर रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा विदड्रॉ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें थर्ड वाला, यहाँ पे NO2 दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, NO2 और साथ में NH2 दे रखा है, NO2 का माइनस आर है, विड्रॉ करेगा, और NH2 कौन है, यहाँ पे डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका प्लस आर इफेक्ट लगेगा, प्लस आर। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में और क्या दे रखा है मुझे, एक NO2 NH2 दे रखा है यहाँ पे, ये NH2 दे रखा है, इसका भी क्या लगेगा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगेगा, लेकिन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जितना इधर एड अप हो पाएगा उतनी वैल्यू इसकी नहीं हो पाएगी, तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट मेरे पास किसका आएगा, थर्ड वाले का आएगा। चले आगे हम लोग, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंटेन ए हेमी एसिटल ग्रुप। आप लोग जानते हो ये एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, देखो भैया अगर मैं देखूं डायरेक्टली, पहले बात कर लूं, अगर मेरे पास में ये एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन में किसी भी R-OH या किसी भी अल्कोहल के साथ में करवाऊं, तो मेरे पास में सबसे पहले बनेगा RCH है, यहाँ पे ये OH और इधर कोई OR ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं। फिर फर्दर अगर एक मोल और ROH का मैंने यहाँ पे अटैच किया तो क्या बन जाएगा, RC, ये H है, इधर OR-OR-, ये जो बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटल कहते हैं। यही अगर साइक्लिक में होता तो हम लोग साइक्लिक एसिटल या फिर साइक्लिक हेमी एसिटल कह देते हैं। ऐसे ही कीटोन से जो बनता है, जो मेरे पास में कीटोन से बनेगा, एसिडिक कंडीशन ली जाती है, यहाँ भी एसिडिक कंडीशन है, तो स्टार्टिंग में मेरे पास में क्या बनेगा, RCOH, यहाँ पे R ग्रुप होगा, ये OR- हो गया। फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये RCR, इधर OR- हो गया, ये भी OR- हो गया, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कीटल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, हेमी कीटल कहते हैं, हेमी कीटल कहते हैं। अगेन वही बात कि भैया अगर ये साइक्लिक में हुआ तो साइक्लिक हेमी कीटल या फिर साइक्लिक कीटल, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग जो हमें दे रखा है क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं।
देखो सबसे पहले वाला एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है मुझे, ये OH दे रखा है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है मेरे पास, ये साइक्लिक हेमी एसीटल है, एल्डिहाइड से बना है, ये एल्डिहाइड से बना है और OH प्रेजेंट है अभी भी इसके ऊपर, तो साइक्लिक हेमी एसीटल। नेक्स्ट मुझे दे रखा है यहां पे अब OCH3 दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे OCH3, यहां पे CH3 दे रखा है। ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग कहेंगे एसीटल, क्या है ये एसीटल है। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड वन दे रखा है मुझे CH3 COH, यहां पे OCH3 और यहां पे CH3, ये कंपाउंड हेमी कीटल है, क्या है ये हेमी कीटल। और नेक्स्ट देखो C6H5 CHO CH3 and OCH3, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग एसीटल कहेंगे, अगेन एल्डिहाइड से है तो एसीटल कहेंगे। तो भैया हमसे क्या पूछा है, हमसे हेमी एसीटल पूछा है, कौन सा हो जाएगा हेमी एसीटल, फर्स्ट वाला हो जाएगा। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है मुझे क्वेश्चन नंबर 12 में, रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है। 12 में सबसे पहले बोला गया है हमें कि बेंजीन है, रिएक्शन जो हो रही है वो HCHO से हो रही है HCl के साथ में, क्या बनता है यहाँ पे ब्लैंक्स रिएक्शन है ये, और हमारे पास में CH2Cl ये बनता है HCl के प्रेजेंस में, HCHO CH2Cl ब्लैंक्स रिएक्शन कहते हैं, ये बनाते हैं KCN के साथ में जब रिएक्शन होगी तो SN2 रिएक्शन होके यहाँ पे मेरे पास में CH2CN बन जाएगा। उसके बाद में कंसंट्रेट HCl दे रखा है, जब कंसंट्रेट अगर डाइल्यूट वगैरह दे रखा होता तो मैं क्या बना देता वहाँ पे एसिड बना देता, कंसंट्रेट HCl दे रखा है यहाँ पे इसका इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, पूर्ण हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो CH2CONH2 ये बनाएंगे हम लोग। और आगे आगे मुझे दे रखा है Br2 प्लस KOH, कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जहाँ पे आप लोग क्या बनाते हो अमाइड से अमीन बनाते हो, एक कार्बन कम का अमीन बनाते हो भैया, तो यहाँ पे आपके पास में जो अमीन बनेगा वो कौन सा बन गया, ये बन जाएगा, यही पूछा है हमसे डी क्या है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, दो अलग अलग रिएक्शन दे रखी है हमें 13 में, जो कंपाउंड बने हैं उनके बीच में रिलेशनशिप पूछा है। सबसे पहले जो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 एंड FeCl3 के साथ में, Cl2 और FeCl3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या जुड़ेगा यहाँ पे, एक क्लोरीन को आप अटैच कर दोगे, क्या कहते हो उस रिएक्शन को, क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हो, क्लोरीनेशन। उसके बाद में ये जो बना है Cl आया है इस पे HNO3 एंड H2SO4, मतलब नाइट्रेशन करवाओगे, और क्लोरीन जो होता है वो कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, वो होता है ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो हम लोग पैरा पे ये बना देते हैं, कहाँ पे पैरा पे बना देते हैं, क्योंकि वहीं पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, मैंने ये नाइट्रेशन करवा दिया। नेक्स्ट रिएक्शन को देखता हूँ, उसमें उन्होंने क्या करा रखा है, पहले नाइट्रेशन करवा रखा है बेंजीन के ऊपर, पहले HNO3 H2SO4 से नाइट्रेशन करवा रखा है, तो क्या करोगे भैया आप लोग NO2 को जोड़ दोगे, ये अटैच कर दिया हम लोगों ने NO2, नाइट्रेशन करवा दिया। उसके बाद में आपको दे रखा है Cl2FeCl3, क्लोरीनेशन करवाना है। अब NO2 कैसा होता है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो मेटा पे जुड़ेगा, तो भैया दोनों में क्या रिलेशन है, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों हमारे पास में पोजिशन आइसोमर्स हैं, कैसे आइसोमर है, पोजिशन आइसोमर्स है, तो बिल्कुल दे रखा है हमें सेकेंड ऑप्शन, पोजिशन आइसोमर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14,
एंड एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ द फॉर्मूला HCl3 H2O5 CA3 H2 बट डज नॉट फॉर्म HCl5। देखो भैया ध्यान से देखना, हमें क्या बोल रहा है, HCl3 बनाता है, ठीक है। अब HCl3 बोरोन बना सकता है, बिल्कुल BCl3 बना सकते हैं हम लोग, AlCl3 बना सकते हैं हम लोग, एक ऑप्शन हमें नाइट्रोजन दे रखा है, NCl3 बना सकते हैं हम लोग, PCl3 बना सकते हैं, मतलब ये तो चारों ही फिट हो रहे हैं इसके अंदर। H2O5 भी बनाता है, क्या बनाता है, H2O5। अब H2O5 जो है बोरोन नहीं बना सकता, एल्यूमिनियम नहीं बना सकता, नाइट्रोजन बिल्कुल बना सकता है, N2O5 बनाते हैं, फॉस्फोरस भी P2O5 बना सकता है, ठीक है। CA3X2 अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि X जो है वो -3 चार्ज है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग CA3 कैल्शियम नाइट्राइड बना सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, HCl5 नहीं बनाता ये, तो अभी हमारी जो लड़ाई चल रही है वो किस में चल रही है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में चल रही है, तो फास्फोरस तो भैया बिल्कुल बनाता है PCl5, लेकिन NCl5 हम लोग नहीं बनाते, और क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, नहीं बना सकता। तो हम लोग क्या बोले, यहां पे कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन HCl5 नहीं बना सकता, फॉस्फोरस बना सकता है, तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा नाइट्रोजन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज, स्प्लिटिंग एनर्जी का इनकरेक्ट ऑर्डर। देखो भैया हम लोग पढ़ते हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब जो CFSE होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर देखना है मुझे कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा गलत है। सबसे पहले वाला देखो, उसमें मेरे पास में Ni किस में दे रखा है, Ni मुझे यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है, मतलब इस कंपाउंड में अगर मैं निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो मेरे पास में क्या आएगा, +2, और दूसरे वाले में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +4 आएगा, ठीक है। और बिल्कुल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो CFSE की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, Fe दे रखा है और एक Ru दे रखा है, Fe है और Ru दे रखा है, ये कौन सा है भैया, ये 3D का है, ये किसका है, ये 4D है, तो बिल्कुल ये भी क्या होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, 3D से ज़्यादा 4D वालों की CFSE होती है, 4D से ज़्यादा 5D वालों की CFSE होती है। उसके बाद में मुझे दे रखा है CONH3 का होल +3 COEN, मतलब एक NH3 का डिफरेंस है, एक EN का डिफरेंस है, EN जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, फिर से बढ़ाएगा CFSE की वैल्यू, मतलब यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं हम लोग NiCN होल 4 -2 और एक NiCN होल 6 -4, भैया यहाँ पे तो क्या है, हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो फोर्थ में स्क्वायर प्लेनर बनेगा, कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और इधर कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, जो CFSE की वैल्यू होती है वो स्क्वायर प्लेनर की ज़्यादा होती है। अगर हम लोग देखें तो सबसे कम वैल्यू जो होती है वो टेट्राहेड्रल की होती है, डेल्टा, इसको मैं डेल्टा टी लिख दूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल, इससे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल की होती है, ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू इससे ज़्यादा है, और स्क्वायर प्लेनर की इससे भी ज़्यादा होती है, तो मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास में, रॉन्ग हो गया, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पे 15 में फोर्थ आंसर अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, ये तो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम विद द कॉलम सेकंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। फिंकलस्टीन रिएक्शन, कौन सी होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और यहाँ पे हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन CH3I+NaBr, बिल्कुल इसे हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन कह सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं वहाँ पे। इंसेक्टीसाइड, यहाँ पे जो भी दे रखे हैं उनमें इंसेक्टीसाइड कौन सा है, DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये हमारे पास में DDT है, इंसेक्टीसाइड है, मतलब बी का 4 हो गया, ए का मेरे पास में 3rd हो गया, ए का 3rd बी का 4। नेक्स्ट डाई एजोटाइजेशन की इसको काम में लेते हो, एनिलीन काम में लेते हो, NaNO2+HCl या फिर HNO2 भी दिया हुआ हो, तो मतलब डाई एजोटाइजेशन सी का 2nd हो गया। सैंडमियर रिएक्शन 1st हो गई, भैया सैंडमियर रिएक्शन 1st हो गई, ARSN1 रेडिकल टाइप की मैकेनिज्म होती है यहाँ पे सैंडमियर रिएक्शन में।
तो डी का मेरे पास में फर्स्ट हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सेकंड ऑप्शन है अपने पास में। चलो नेक्स्ट देखो, इफ ए मिक्सचर ऑफ टू ब्रोमो ब्यूटेन हैज इनेंचियोमेरिक एक्सेस ऑफ 50%, द स्टीरियो आइसोमेरिक कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर विद रेस्पेक्ट टू प्लस एंड माइनस इनेंचियोमर रेस्पेक्टिवली इज। देखो भैया, जो भी हम लोग इनेंचियोमेरिक एक्सेस देखते हैं, क्या देखते हैं, इनेंचियोमेरिक एक्सेस देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इनेंचियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल्स टू मेजर, मेजर मतलब जिसकी परसेंटेज ज़्यादा या जो ज़्यादा अमाउंट में दे रखा है, तो जो भी तुम्हें दे रखा हो, माइनस माइनर अमाउंट दे रखी है या फिर परसेंटेज दे रखी है, डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट या फिर टोटल परसेंटेज इनटू 100। लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें तो इनेंचियोमेरिक एक्सेस ऑलरेडी दे रखा है, तो देखो डायरेक्टली अगर निकालना है और परसेंटेज में दे रखा है तो बहुत सिंपल है, जो मेजर परसेंटेज होगी, मेजर परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ये 100 प्लस इनेंचियोमेरिक एक्सेस बाई 2, और जो माइनर की परसेंटेज होती है, माइनर परसेंटेज, इट इज 100 माइनस इनेंचियोमेरिक एक्सेस डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो बस हमसे भी तो कंपोजिशन ही पूछा है, सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं। मेजर क्या होगा अपने पास में, 100 प्लस 50 बाई 2, कितना हो गया ये 75% हो गया। दूसरा मुझे 100 माइनस 50 बाई 2, ये कितना हो गया 25% हो गया। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से सॉल्व, पहला ही ऑप्शन आ रहा है अपने पास में, बिल्कुल भैया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, मुझे IUPAC नेमिंग चाहिए, 18 में मुझे IUPAC नेमिंग पूछी है। इधर CH2NH2 दे रखा है, कार्बन है OCH3 लगा रखा है, डबल बॉन्ड है CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2, ये मुझे दे रखा है। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रायोरिटी पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन होगा, अमाइड, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब क्या लिखोगे, ये सब्सिट्यूएंट है मिथॉक्सी, ये सब्सिट्यूएंट है मेरे पास अमीनो, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले इसके लिए, 4 अमीनो लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे 4 अमीनो, 3 पे मिथॉक्सी है, बिल्कुल भैया 3 पे मिथॉक्सी लिखेंगे। उसके बाद में अब देखो कार्बन चेन में कितने कार्बन है, ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल है, कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, इन, और फिर क्या लिख दोगे, अमाइड। आ गई बात समझ में, अब देख लो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हम लोगों को, बिल्कुल दे रखा है भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, 4 अमीनो 3 मिथॉक्सी, अब 2 आगे लगा रखा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ब्यूटीन अमाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ SF4 विच सेट ऑफ डी ऑर्बिटल रिमेन प्योर। रिमेन प्योर मतलब कि वो हाइब्रिडाइजेशन में काम में नहीं आए मेरे पास में, कौन कौन से ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में काम में नहीं आए, तो देखो बेटा 19 हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो किसका, SF4 का, हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आप लोगों को आता ही है, तो SF4 का हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग देखेंगे तो ये आता है अपने पास में DSP3, कितना आता है DSP3, इस तरीके से निकालते हो, ये 6 हो गया प्लस 4 हो गया डिवाइड बाय 2, 6 मतलब सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है, ये 5 आ गया, 5 किसके लिए देख रहे हैं आप लोग, DSP3, जो कि एक ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है विच इज मेड अप ऑफ DP एंड SP2। ये जो D है ये DZ² होता है जो PZ के साथ में जुड़ता है, DZ² है जो PZ के साथ में जुड़ता है, और यहाँ पे S प्लस PX प्लस PY, तो मतलब मेरे पास में, सीधा सीधा बोलूँ कि मेरे पास में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में जो D ऑर्बिटल मैंने काम में लिया है वो कौन सा काम में लिया है, DZ² काम में ले लिया, तो अब बचेंगे कितने, 5 होते हैं D ऑर्बिटल, एक काम में ले लिया, 4 बचेंगे, और कौन कौन से बचेंगे मेरे पास में, DX² Y² बच गया, DXY बच गया, DXZ बच गया, DYZ बच गया, ये 4 बच गए, मतलब ये प्योर के प्योर है मेरे पास में, तो भैया सेकंड आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कॉज ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट के जो सॉल्ट होते हैं उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होता है, और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है,
सल्फेट्स की वजह से होता है, क्लोराइड्स की वजह से होता है, ठीक है। सल्फाइड एंड क्लोराइड तो आएगा नहीं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो भैया ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव खत्म हुए, नेक्स्ट आ जाओ इंटीजर टाइप पे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, तो करें स्टार्ट। बिल्कुल, सबसे पहले 4 में क्या दे रखा है, इन द गिवन नंबर ऑफ कंपाउंड विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये मुझे सबसे फर्स्ट वन में दे रखा है और पूछा है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या। बिल्कुल करेगा, देखो बीच वाली रिंग को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है मेरे पास, तो हो सकता है दोनों हाइड्रोजन जो है वो वेज के ऊपर हो, तो सिस कह देंगे, दोनों हाइड्रोजन में से एक वेज पे हो एक डैश पे हो तो ट्रांस कह दूंगा। तो बिल्कुल ये बीच वाली रिंग जो है वो जी आई शो कर रही है। ऐसे ही बी ऑप्शन में मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये 5 मेंबर रिंग दे रखी है, फिर एक 5 मेंबर रिंग है ये बना रखा है ऐसे, ठीक है। अब देखो भैया बीच वाले डबल बॉन्ड को देखो, इन कार्बन को देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ भी मेरे पास में अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बीच वाला जी आई शो कर देगा। सी वाला नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि दो रिंग आपस में फ्यूज्ड है और ऐसा कुछ भी नहीं है उनमें जहां से वो जी आई शो कर सके। तो बेटा इंटीजर टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 4th वन को देखो, 4th में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ये मॉलिक्यूल दे रखा है ए नंबर पे, ये मॉलिक्यूल मुझे दे रखा है, इसमें देखो बीच वाली रिंग को देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों सेम साइड हो सकते हैं, मतलब वेज वेज पे हो सकते हैं या डैश डैश पे हो सकते हैं, तो सिस हो जाएगा, और अगर एक वेज हुआ एक डैश हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, मतलब ये मुझे जी आई शो कर रहा है, तो मॉलिक्यूल जी आई शो करेगा। नेक्स्ट वाला, ये इस तरीके से हमें 5 मेंबर्ड रिंग दे रखी है, इधर डबल बॉन्ड लगा रखा है, इधर डबल बॉन्ड लगा रखा है, क्या ये जी आई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। बीच वाले डबल बॉन्ड को देखो, यहाँ पे अलग ग्रुप से, यहाँ पे अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, तो ये भी जी आई शो करेगा, सेकंड वन करेगा। सी को देखें हम लोग, सी में हमें ये दे रखा है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में कोई ना कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, यहाँ भी क्या होगा, कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे अगर दोनों सेम साइड है तो सिस हो गया, एक अगर डैश पे हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एक वेज पे हुआ एक डैश पे हुआ तो उसे ट्रांस बोल देंगे हम लोग, तो ये भी जी आई शो कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, डी दे रखा है मुझे, मतलब कि इस तरीके से ये रिंग दे रखी है। अब ये रिंग कैसी है, सिस है, ठीक है, और अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दूँ इसी में ही, पोजीशन वही है, क्योंकि जब एक ही डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट करोगे नंबरिंग, अभी भी कहाँ पे कहाँ से करोगे, यहीं से स्टार्ट करोगे, मतलब 1 पे ही क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन वो सिस था, ये क्या है, ट्रांस है, तो सिस ट्रांस शो कर सकता है ये, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा अपने पास में। ई वाला, ई वाले में देखो, ये वाली जो रिंग है ये जी आई शो कर सकती है, बिल्कुल शो कर सकती है। उसके बाद में एफ वाला देखो, वहां पे 3 रिंग है, मतलब ऑड नंबर में रिंग है, एक मुझे यहाँ पे सी एच थ्री लगा के दे रखा है, तो एक हाइड्रोजन है, ऐसे ही यहाँ पे एक सी एच थ्री है और एक हाइड्रोजन है, जब 3 रिंग है तो भैया स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, इधर दोनों अलग अलग ग्रुप है, ये जी आई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके बाद में क्या दे रखा है मुझे, नेक्स्ट वन ये हेक्सेन बना रखा है और इस पर 3 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, तो बिल्कुल ये भी जी आई शो कर सकता है कि तीनों में से जो है ये सेम साइड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई एक जो है वो ऑपोजिट साइड हो, दो सेम साइड हो, तो सिस ट्रांस इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये भी जी आई शो कर सकता है। नेक्स्ट जो होगा ये जी आई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा भैया, ठीक है, क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे क्या है, 2 सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बन पे क्या है, 2 सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये जी आई शो नहीं कर सकता। पढ़ा है ना हम लोगों ने, मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि अलग अलग ग्रुप्स जो होने है वो प्रेजेंट होने चाहिए, ये नहीं देख सकता। नेक्स्ट वाला देखें हम लोग, आई, आई में मुझे क्या दे रखा है, 4 मेंबर रिंग दे रखी है, 4 मेंबर रिंग दे रखी है, डबल बॉन्ड दे रखा है, और फिर से मुझे 4 मेंबर रिंग दे रखी है,
यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। अब देखो बीच वाले डबल बॉन्ड को देखो, ये CH2 है इधर, ये CH है, ऐसे ही ये CH2 है इधर, ये CH है। GI शो करेगा? बिल्कुल करेगा भैया। नेक्स्ट वन, ये डबल बॉन्ड नहीं, ये शो नहीं करेगा, क्योंकि 8 मेंबर रिंग पहली रिंग होती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो होता है वो GI शो करता है, ये ट्रांस नहीं बना सकता, केवल सिस्सी रहेगा, तो ये GI शो नहीं शो करेगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखें, अब कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है, अगेन 4 मेंबर रिंग है, ये भी 4 मेंबर रिंग है, इधर ऑक्सीजन लगा रखा है, एक बार इधर ऑक्सीजन लगा रखा है, क्या ये GI शो करेगा? बिल्कुल करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये CH2, ये ऑक्सीजन है, CH2 है, ये GI शो कर सकता है। तो कितने हुए मेरे पास में, कितने कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? टोटल काउंट कर लो भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंसर आ जाएगा इसका। चलें हम लोग आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल रिएक्ट विद CU विद हीटिंग? कॉपर हीटिंग के साथ में क्या क्या होगा, चलो देख लेते हैं कौन कौन रिएक्ट करेगा। सबसे पहले मुझे दे रखा है CH3CH2OH, इसको कॉपर के साथ में जब हीट करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास में, CH3COH बन जाएगा। यही बनाते हो, डिहाइड्रेशन करवा देते हो, मतलब प्लस H2 तुम लोगों ने बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट थर्ड वन, pH है, C है, pH है, ये pH है, ये OH है, अगेन कॉपर के साथ में हीटिंग की कोई रिएक्शन नहीं होगी भैया, क्योंकि यहाँ पे ना तो तुम डिहाइड्रेशन करवा सकते हो ना डिहाइड्रोजनेशन करवा सकते हो, मतलब ना तो तुम H2O बाहर निकाल सकते हो और ना ही आप लोग यहाँ पे H2 बाहर निकाल सकते हो, तो कोई रिएक्शन नहीं हो सकती यहाँ पे। नेक्स्ट 3 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये OH अगेन दे रखा है, CU हीटिंग। अब यहाँ पे जो है हम लोग कार्बोनिल नहीं बनाते, हम लोग एल्किन बनाते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन करते हैं 3 डिग्री के साथ में, तो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 प्लस H2O ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट वन देखें हम लोग, नेक्स्ट है फोर्थ वन है मेरे पास में, pH दे रखा है, CH है, इसके ऊपर OH है एंड CH3 है, अगेन कॉपर के साथ में हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग, अगेन मेरे पास में यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, PHCOCH3, और साथ में क्या बाहर निकाल दिया, H2 बाहर निकाल दिया। तो देखो कितने रिएक्ट कर रहे हैं, एक ये रिएक्ट कर रहा है, ये वाला रिएक्शन नहीं कर रहा, तो हमसे तो नंबर पूछा कि कितने, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल रिएक्ट विद कॉपर, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारे पेपर का सॉल्यूशन हुआ, पढ़ते रहो अच्छे से, फिर मिलते हैं, जय CLC, टेक केयर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ ताराचंद, जेई मैथ्स फ्रॉम CLC सीकर। सो आज हम लोग अपनी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका मेजर 7 का पेपर का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड ए एन विल बी इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन प्लस 2 प्लस ए एन माइनस 2। तो देखिए क्या दिया है हमें क्वेश्चन के अंदर, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 भी 0 होगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1, और साथ में सिमिलरली बीटा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा प्लस 1। क्लियर है, तो ये दो कंडीशंस है हमारे सामने, क्योंकि अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स है तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब आपको एक कंडीशन दी है कि ए एन विल बी इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, और आपसे पूछा गया है ए एन प्लस 2 प्लस ए एन माइनस 2। सो देखिए, और ये हमें किस फॉर्मेट में निकालना है, ये हमें ए एन की फॉर्मेट में निकालना है, तो देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो देखिए ए एन प्लस 2 जब आप यहाँ से इस कंडीशन के थ्रू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फा टू दी पावर एन प्लस 2 प्लस बीटा टू दी पावर एन प्लस 2। ऐसे ही ए एन माइनस 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा अल्फा टू दी पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा टू दी पावर एन माइनस 2।
अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, और ऐसे ही इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से आएगा अल्फा टू दी पावर एन कॉमन, सो अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से आएगा बीटा टू दी पावर एन कॉमन, सो बीटा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस, और हमें इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, ए एन वाले फॉर्मेट में। तो देखते हैं कितना आता है। सो देखिए अल्फा टू दी पावर एन, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, एंड प्लस बीटा टू दी पावर एन, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर की जगह पर आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो अल्फा प्लस वन, बीटा स्क्वायर की जगह पर बीटा प्लस वन, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर। तो ये बनेगा अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर आएगा बीटा टू दी पावर एन, बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन और डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर। आगे देखते हैं, फिर से इसको ओपन कीजिए, सो अल्फा टू दी पावर एन अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन बन जाएगा प्लस टू डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, और आगे आएगा हमारे पास बीटा टू दी पावर एन बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस टू एंड डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर। अब देखिए अगेन यहाँ पर आ रहा है, देखिए टू कॉमन ले लेते हो अल्फा प्लस वन, और यहाँ पर टू कॉमन ले तो बीटा प्लस वन, तो इसकी जगह पर देखिए फिर से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, अल्फा प्लस वन कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो देखिए ये होगा अल्फा टू दी पावर एन अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, और ये आएगा बीटा की टू दी पावर एन बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर। हमने क्या किया, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन की जगह पर इन इक्वेशन से वापस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। सो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला अल्फा टू दी पावर एन इंटू थ्री अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा टू दी पावर एन थ्री बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर, तो ये कट जाएगा देगी, और फाइनली थ्री अगर कॉमन ले लें तो बचेगा अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन, जो किसके इक्वल है, ए एन के इक्वल है। क्लियर? यहाँ पर जैसे n प्लस वन आता तो इसको हम लिख देते ए एन प्लस वन, माइनस वन आता तो लिख देते ए एन माइनस वन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, थ्री टाइम a टू दी पावर n ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर देखिए आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, और क्या दिया, देखिए टू बाई थ्री टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हेन एक्स विल बी जीरो टू बी, इसके बाद में आपको दिया टू बाई थ्री ए स्क्वायर माइनस फोर बाई नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू बी क्यूब डिवाइड बाई नाइन एक्स व्हेन एक्स इज लाइज बिटवीन बी टू ए, और सिमिलरली लास्ट में आपको दिया टू बाई नाइन एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन एक्स विल बी ग्रेटर देन ए। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, आपको ये फंक्शन दिया है देन मीन्स, और क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं गया है यहाँ पर ऊपर, दैट मीन्स आपको इसको ऑप्शंस के थ्रू करना है कि देखिए ऑप्शंस के अंदर आपको निकालना क्या है। तो अगर हम मैं सारे ऑप्शंस में देखूँ तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ ए नेगेटिव, ठीक है ना, एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव, एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव, मीन्स आपको इसका डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दी गई है। क्लियर है? तो अब अगर हम उन चीज़ों के बारे में बात करें तो आपको मीन्स इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर,
ठीक है। देखिए डिफ्रेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए आपके सामने दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अगर एक एक फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो, ठीक है, तो उस केस में आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हो, और अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जो हमारे पास में डिफ्रेंशियबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम वो लगा सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो अगर मैं इसमें पॉइंट बी के ऊपर अगर बात करूं तो देखिए ये ऊपर से कितना आएगा मेरे पास में, ठीक है, ये आएगा आपके सामने 2/3 ए स्क्वायर माइनस 4/9 बी स्क्वायर माइनस 2b² / 9, क्लियर है। यहाँ पर आप क्या पुट कर दीजिए, x की जगह पर b पुट कर दीजिए और देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ से ये आएगा आपके सामने 2/3a² माइनस 6/9b², जो भी 2/3 हो जाएगा, सो 2/3a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके सामने इसका क्या हो गया, राइट एंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, सॉरी राइट एंड लिमिट हो गई, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर क्या पुट किया, b पुट किया। अब हम बात करते हैं कि जब x आपका b से जस्ट छोटा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, तो उसमें आपको सीधा कांस्टेंट दिया हुआ है 2/3a² माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर क्या है, आपका कंटिन्यूस है। ऐसे आप दूसरे पॉइंट पर भी देख सकते हो कि इस पॉइंट a पर भी ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जब a आप यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपका फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट डेरिवेटिव तभी कर सकते हैं जब आपका फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूस हो, क्लियर है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी फिलहाल ये फंक्शन कंटिन्यूस है, सो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f(x) और देखते हैं कितना आएगा। पहले वाला कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये तो जीरो हो जाएगा x से b के बीच। ऐसे ही आप दूसरे वाले में जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से आएगा आपके सामने माइनस का 8/9x और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², तो ये आएगा 2b³/9x² व्हेन x इज लाइज बिटवीन b एंड a। तो ये आपके सामने इस चीज़ का डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2/9x² a³ - b³। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए और बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकलेगा आपका, ठीक है ना, वो कहाँ से निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं f(a-), ठीक है। तो f(a-) निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो f(a-h), क्लियर है। और जब आप यहाँ पर इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो x की जगह पर क्या पुट करना है a-h, तो कितना आएगा देखिए, ये आएगा हमारे सामने माइनस का 8/9 x की जगह पर a-h प्लस 2b³/9 a-h, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, उससे भी आपका यही आंसर आता, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए h टेंडिंग टू जीरो जब पुट करेंगे -8/9 x² हाँ ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना आता है, ये आएगा हमारे सामने माइनस का 8/9, ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके सामने 9x² है, ठीक है ना, 2b³/9x², हाँ, सो माइनस का 8/9 और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपके सामने प्लस का 2, अच्छा h टेंडिंग टू जीरो पुट किया तो एक a भी है 2b³/, यहाँ पर जब पुट करोगे तो 9a² आफ्टर LCM यू विल बी गेट 9a² विल बी LCM, सो माइनस का 8a³ प्लस 2b³, तो ये आ गया आपके सामने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली इसी तरीके से आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना f(a) ठीक है, वो आपका यहाँ से निकलेगा और उसका आंसर आएगा आपका माइनस का 2/9 a² और a³ - b³, ठीक है ना, इसी तरीके से निकाल सकते हो या सीधा भी जैसे मैंने कहा था यहाँ पर a पुट कर सकते हो, ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पर, और नहीं तो आप इस तरीके से लिमिट के थ्रू इसको भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर f(a-) और f(a+) जो है वो उन दोनों की वैल्यू कैसी है,
डिफरेंट है, और वैल्यू अगर डिफरेंट है दैट मीन्स ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, ऐसा ऑप्शन नंबर टू है जो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, दोनों डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमारा प्रोबेबिलिटी से है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है ना, कैसे पता चलता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो बॉक्स दिए गए हैं, दोनों बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स है आपके पास में, ठीक है, और उसके बाद में दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में आपको दिया गया है कि कौन से बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और फाइनली आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम एक वाइट बॉल इस इन बॉक्स में से निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है आपके सामने क्वेश्चन के अंदर वो क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से होती है। इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए आप इस तरीके का एक डायग्राम बनाएं हमेशा, ठीक है ना, बॉक्स वन और बॉक्स टू, ठीक है ना, बॉक्स वन और बॉक्स टू, क्लियर है। बॉक्स वन के अंदर क्या क्या है उसको लिख लीजिए, फोर वाइट और थ्री रेड बॉल। ऐसे बॉक्स टू के अंदर है आपके पास में टू वाइट एंड फाइव रेड बॉल, क्लियर है। इसके बाद में एक फेयर ऑर्डिनरी डाई इज थ्रोन, ठीक है ना, एक डाई हमने थ्रो किया, अगर डाई के अंदर थ्री और फाइव आता है तो अपने बॉक्स वन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए इस बॉक्स को सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और इस बॉक्स को सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बॉक्स वन कब आता है, जब थ्री और फाइव आता है, तो थ्री और फाइव किस में से आएगा, जो टोटल छः नंबर्स होते हैं, तो टोटल आपके पास में छः है और उसमें से दो है आपके पास में क्या, फेवरेबल। सो इसके बॉक्स वन के जो सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/6 या 1/3। तो इसकी अगर 2/6 है तो आपके पास में जो दूसरा वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बॉक्स टू की, दैट इज 4/6। ये आपके सामने इन दोनों बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये कैसे आई, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है कि अगर हम एक ऑर्डिनरी डाई थ्रो करते हैं तो और उसमें थ्री और फाइव अगर आता है तो हम कौन से बॉक्स में से बॉल निकालते हैं, हम पहले वाले बॉक्स में से निकालते हैं, तो उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, 2/6। और इसके अगर 2/6 है, हमारे पास में टोटल दो ही केस है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। इसके बाद में आपको बोला गया है ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन एल्स ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स टू, या तो हमने एक बॉक्स वन में से बॉल निकाली या बॉक्स टू में से, तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वो एक वाइट बॉल होगी। तो देखिए इसमें से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें पता है कि हम बॉक्स वन में से निकाल रहे हैं और उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 4/7। ऐसे ही यहाँ पर आएगी, बॉक्स टू में से हम बॉल निकाल रहे हैं तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 2/7। अब देखिए अगर आपको इसमें से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, तो वैसे तो देखिए एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला वगैरह आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, इन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए तो आपके सामने टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वैसे फॉर्मूला अगर लगाना है तो ये हो जाएगा b1 into pw by b1 plus pb2 into p of w by b2। क्योंकि मैंने डायग्राम आपको बनवाया इसीलिए था, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटीज आ रही है उनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उनको मल्टीप्लाई करना है। वैसे इनकी वैल्यूज यही होगी, 2/6 इंटू 4/7 प्लस 4/6 इंटू 2/7। तो देखिए कितना आ रहा है, नीचे से आएगा आपके सामने, इसको काट दीजिए, 3 टाइम सो नीचे आ रहा है आपके सामने 3/7, इधर भी 3 एंड 7, सो नीचे से आ जाएगा 3 इंटू 7 और ऊपर आ जाएगा आपके पास में 4+4, सो दैट विल बी 8/21, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो 8/21 ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको दो डिटर्मिनेंट दी हुई है, और एक पहली वाली जो डिटर्मिनेंट है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू दी हुई है, दैट इज 6, और आपको क्या करना है, आपको जो दूसरी डिटर्मिनेंट है उसका क्या करना है, उसके अंदर उसकी वैल्यू निकालनी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोनों डिटर्मिनेंट के अंदर सेम टाइप का डेटा है आपके पास सामने, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड,
ठीक है, तो और दूसरे वाले में भी ऐसा ही है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा डिटर्मिनेंट है उसको छोटे वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें, क्लियर है? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया गया है, तो डिटरमिनेंट बी है ना, वो कुछ इस तरीके से है, पी प्लस एक्स, क्यू प्लस वाई, आर प्लस जेड, ए प्लस एक्स, ए प्लस पी, बी प्लस वाई, बी प्लस क्यू, सी प्लस जेड और सी प्लस आर। ठीक है, देखिए हम इस डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सी आर वन के अंदर जो रो वन है उसमें रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर आएगा टू टाइम पी प्लस एक्स प्लस ए, यहाँ पर आएगा टू टाइम क्यू प्लस बी प्लस वाई, और यहाँ पर आएगा टू टाइम C प्लस आर प्लस जेड। ठीक है ना, बाकी सबको एज इट इज, ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू और सी प्लस आर। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, यहाँ से देखिए ये जो 2 है ना, इसको बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से 2 हट जाएगा सब जगह से। ठीक है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जब कॉमन लेते हो तो एक ही रो या एक ही कॉलम में से आता है। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो रो वन रो टू है आपकी, ठीक है ना, उसमें रो टू माइनस रो वन कर देते हैं, और जो रो थ्री है उसमें रो थ्री माइनस रो वन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए इसके आप पहली वाले जो है वो तो एज इट इज रहेगी, पी प्लस एक्स प्लस ए, क्यू प्लस बी प्लस वाई, और यहाँ पर सी प्लस आर प्लस जेड। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपने क्या किया, R2 में से R1 को सबट्रैक्ट किया, ठीक है, तो R2 माइनस R1 जब करोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस P, यहाँ बचेगा आपके पास B और Y हट जाएगा, माइनस Q, और यहाँ पर बचेगा माइनस R, यहाँ पर बचेगा माइनस X, यहाँ पर माइनस Y, और यहाँ पर माइनस Z। देखिए आपके सामने कुछ इसी टाइप का आ रहा है डिटरमिनेंट 1 में, यहाँ पर पी क्यू आ रहा है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो देखिए इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद में आपके पास में दो बार क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले रहे हो तो बाहर प्लस साइन ही आएगा, और साथ में आप क्या कीजिए, आर वन के अंदर वापस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री को ऐड कर दीजिए। तो देखिए कितना आएगा, टू टाइम, जैसे ही ऐड करोगे तो देखिए पी और एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी और सी, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद पी क्यू आर, और इसमें से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में एक्स वाई और जेड, और ऐसे आपके पास में कौन सी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ध्यान से, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू आपको 6 दी हुई है। ठीक है, तो आपके पास में जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दैट विल बी 2 इंटू 6, आंसर विल बी 12। ठीक है, तो पहले आपको इसको उसमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्टेशन के बाद में जो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस एंड दिस। तो देखिए आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट दिया गया है, ठीक है, जो कि एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उन दोनों कर्व के बीच में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे या उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं, देखिए देखिए जो आपको पहला कर्व दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू आई, तो देखिए जेड माइनस टू आई, ठीक है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, अगर प्लेन में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट है आपका 0.2, और जेड माइनस ये कर रहे हैं,
दैट मीन्स इस पॉइंट से पास करने वाली आपके पास में एक लाइन सेगमेंट होगी इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखें इसके नीचे नहीं होगा क्योंकि हमने जेड माइनस टू आई कर दिया है, दैट मीन्स जो आपका एंड पॉइंट होगा वो यही रहेगा। इसका आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है आपको 3π/4। अच्छा हाँ, हमने इधर ही क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसका जो आर्ग्यूमेंट हमें दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है, 3π/4। लेकिन ध्यान रखें जो आपका कर्व स्टार्ट होगा ना वो इसी पॉइंट से होगा, ठीक है ना, इससे ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2z+1 - 2i, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए z+1/2 - i का आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज π/4। इस बार जो देखिए जो पॉइंट है आपके पास में वो है -1/2, 1 जो आएगा इससे नीचे आएगा यहाँ पर, और इसका आर्ग्यूमेंट π/4 है तो ये यहाँ से पास होती हुई इधर एक लाइन जाएगी जिसका आर्ग्यूमेंट कितना है, π/4 है। तो अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये जो है आपके सामने, ठीक है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन और ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और वो यहाँ से स्टार्ट होकर के इधर जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपके सामने क्या होगा, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। एक तरीका तो यह है, इसे ग्राफिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। दूसरा तरीका यह कि आप जेड को x+iy पुट करके उनका आर्ग्यूमेंट निकालें, ठीक है, उसके बाद में दो स्ट्रेट लाइंस आएगी, उन स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन देखना है। लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टार्ट होगा ना आपका वो यहीं से होगा, क्लियर है, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो वहाँ से फिर आपको देखना है कि उन स्ट्रेट लाइन का कोई सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना, वो इसी के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से ग्राफिकली सॉल्व करें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है, ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, dx/x³ (3x^5 + 2^5), ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। देखो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी टर्म है और उसकी इरेशनल पावर है, बाहर भी आपको एक वेरिएबल दिया है, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन इसी सॉल्व होते हैं, इसमें से जो x की पावर 5 है ना इसको बाहर निकाल लीजिए। लेकिन क्योंकि जब आप x की पावर 5 को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर पावर है 3/5, तो यहाँ से बाहर आएगा आपके सामने x³, क्लियर है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, dx/x^6 + (3+2/x^5)^3/5, क्लियर है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे 3+2/x^5 जो 5 है उसको पुट कर लीजिए t^5 क्यों किया, ताकि ये इरेशनल नंबर हट जाए यहाँ से, बाकी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप t भी कर सकते हो, ठीक है, देखते हैं कितना आएगा, 0 - 2×5/(x^6) will be equal to 5×t^4 dt। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा और आपको मिलेगा +1/x^6 (dx) जो है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी -t^4/2 dt। तो देखिए ये वैल्यू भी आ गई हमारे सामने dx/this और इसको हमने माना ही था, तो अब देखिए आपका जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा -t^4 dt और डिवाइड बाय, इसको पूरे को हमने t^5 माना था, तो 5 से 5 कट जाएगा और आपके सामने बचेगा t³ और साथ में आएगा एक 1/2 जिसको बाहर लिख लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा -t×dt, माइनस साइन को बाहर ले लीजिए, तो 1/2 × t²/2, तो ये बनेगा -1/4 × t² और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा आपके साथ -1/4 × t की वैल्यू आएगी 3+2/x^5 और (2^5), 2 यहाँ से आएगा और 5 आपका यहाँ से आएगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वही आपका आंसर है। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें आपको क्या दिया है, देखिए, ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड इज चूजन फ्रॉम द सेट 1 to n सच दैट एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू वाई विल बी लेस देन जेड, देन द नंबर ऑफ सच ट्रिपलेट्स आर, तो ऐसे टोटल कितने ट्रिपलेट्स होंगे वो आपको बताने हैं। तो देखिए, आपको एक इनइक्वलिटी दी गई है और 1 से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर, ठीक है, तो 1 से लेकर के n तक आपके पास में नंबर है, और आपको इस कंडीशन को सॉल्व करना है, x विल बी लेस देन इक्वल टू y विल बी लेस देन z, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, x y z कुछ इस तरीके से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है और यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इससे दो केस बना लेते हैं, ठीक है ना, जब x और y दोनों सेम होंगे और जब x y से छोटा होगा। अब देखिए, हमने केस जब भी बनाते हैं तो जो भी आंसर आता है वो आपका ऐड होता है केस के अंदर, हमेशा पीएनसी के ध्यान रखें, जब भी आप केस बनाते हैं तो जो आंसर आएगा वो आपका ऐड होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर आपके सामने क्या हो जाती है, चॉइस आ जाती है। अब देखिए, इसको और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर पहले इसकी बात करें तो देखिए, आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जो n नंबर्स है ना, इनमें से आप कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो n में से 3 नंबरों को जब सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा NC3, क्योंकि n डिफरेंट नंबर्स है, 3 नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे तो NC3। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने इसमें से 3 नंबर सेलेक्ट हुए, जैसे 4 हो गया, 7 हो गया और 10 हो गया, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा ना वो एक ही तरीके से होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो x होगा, उसके बाद में जो दूसरा नंबर होगा वो y होगा, और जो तीसरा नंबर होगा वो z होगा। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा ना आपको, वो एक ही तरीके से होगा, चाहे कोई सा भी ट्रिपलेट आए, उसमें सबसे छोटा नंबर x होगा, फिर y होगा, फिर z होगा। इसके लिए आपको दो ही नंबर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि दो नंबर आपके क्या है, सेम है, तो आप इनमें से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए NC2, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सेलेक्ट हो गया 4, 4 और 8, ठीक है, तो x और y की वैल्यू तो क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है, और फिर आपके पास में, अच्छा यहाँ पर आप देखोगे कि 3 कैसे आ गए, ठीक है, तो एक्चुअली हम सेलेक्ट तो एक ही कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने सेलेक्ट तो एक ही नंबर किया, दो ही किए, एक 4 किया और एक 8 किया, लेकिन जब इसका अरेंजमेंट्स देखेंगे तो x और y दोनों के अंदर आपको 4, 4 आएंगे और यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, तो NC2 × 1, तो आपका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, NC2 + NC3, ठीक है। तो ये था आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए, आपको दिया गया है, लेट सम ऑफ ए फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी विथ रियल टर्म्स इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। चलिए एक बार इससे अपन तीनों टर्म्स निकाल लेते हैं, जब भी आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ होता है, ठीक है, तो आप 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है, मान लेते हैं कि जो 3 टर्म है जीपी की हमारी, वो a बाई आर, ए और ए आर है, a बाई आर, ए और ए आर है, 3 टर्म्स, क्लियर है। तो हमें इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, सबसे पहले तो a बाई आर इंटू ए इंटू ए आर, ठीक है, तो r से r कट जाएगा, देयर विल बी a क्यूब, और ये कितना दिया आपको, -1, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -1। इसके बाद में आपको इन तीनों का सम दिया हुआ है, a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, दैट विल बी 13/12, ए माइनस वन पुट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा देखिए -12, 1 + r + r² विल बी 13। सबको राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमें मिलेगा देखिए 12r² + 12 + 13 हो जाएगा 25 विल बी इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन कीजिए, देखिए इसके दो फैक्टर्स आएंगे, एक 4r + 3 और एक 12r², ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 9, हमें टोटल चाहिए कितना, ये एक सेकंड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देख ले, ठीक है ना, 12r² + 12r + 25, इधर 25 है ना, तो एक तो आएगा आई थिंक 3r + -12 था, इधर था आपके सामने 13, ठीक है, हाँ, तो
सारी टर्म्स को हम इधर ले आए, 12r स्क्वायर प्लस 12r और प्लस 12, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये। अब देखिए आपके मल्टीप्लीकेशन से कितना आना चाहिए, 25 इंटू 12 300 आना चाहिए और ऐड करने से 12 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर्स देखिए जिससे आपके सामने ये आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे अगर हम 300 से देखें, ठीक है। तो आपको सामने क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो देखें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, अच्छा मैंने शायद थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, एक बार चेक कीजिए। हाँ, आर को हमने वो लिया है ना एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 13/12, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा देखिए, -12 -12r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13r। अब सबको राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो आपको मिलेगा 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके देखिए दो फैक्टर्स इजीली हो जाएंगे, एक फैक्टर आएगा आपका 4r प्लस 3 और एक आएगा आपका 3r प्लस 4। क्यों? क्योंकि देखिए इधर भी 12 आ रहा है, इधर भी 12 आ रहा है, तो 4 और 3 होंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको r की दो वैल्यूज मिलेगी, एक -3/4 और एक मिलेगा -4/3। लेकिन देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर आगे दिया गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर इनफाइनाइट टर्म, तो इस वाला ये वाला जो नंबर है ना, इससे इनफाइनाइट सीरीज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज तभी बनती है जब मोड आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन वन होती है। दैट मीन्स जो आपका आर होगा ना वो कितना होगा, -3/4 होगा। अब आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम, तो सम की इस एब्सोल्यूट वैल्यू a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और ये आपको दे रखा है p बाई क्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको बताना है कि q माइनस p कितना होगा। तो a कितना आया था हमारा, -1 डिवाइड बाई 1 माइनस -3/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4/7 विल बी इक्वल टू p बाई। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 7, सो q माइनस p जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। क्लियर है? q माइनस p की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ए वेरिएबल कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू द ओरिजन टू द सर्कल, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन विद दिस कॉर्ड एज ए डायमीटर इज। चलिए बात करते हैं, देखिए आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, आपको एक सर्कल का इक्वेशन ही दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास होने वाली हमने कोई एक कॉर्ड ड्रॉ की, ठीक है, जिसको डायमीटर लेते हुए आपको क्या करना है, आपको इसके सेंटर का लोकस निकालना है। मिस अगर ये डायमीटर है तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका मिड पॉइंट एच कोमा के, और क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है एच कोमा के और ये बिंदु है आपका ओरिजिन 0,0, तो हम इस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल, दैट विल बी टी इक्वल टू एस वन। टी कितना आएगा, एच एक्स प्लस के वाई माइनस टू टाइम ए एक्स प्लस एच डिवाइड बाई टू विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू ए एच। ये आपके सामने क्या हो जाएगी, इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी जिसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ होता है, उस कॉर्ड का समीकरण आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हमें सेंटर का लोकस चाहिए था तो हमने उसको एस कोमा के ले लिया, और क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये डायमीटर है तो इसका सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट में आएगा, तो टी इक्वल टू एस वन से इसका जो समीकरण आएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब देखिए आपको ये भी पता है कि ये कॉर्ड ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसको ओरिजिन से पास करवा दीजिए, तो 0+0 माइनस ए एक्स माइनस ए एच विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, अच्छा ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स जीरो था, सो दैट इज आल्सो जीरो माइनस टू ए एच। सबको इधर ले आते और एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स विल बी इक्वल टू जीरो।
तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा उसके सेंटर का क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एरिया से है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो सबसे पहले y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू रूट x, इसका ग्राफ बनाइए। और दूसरा मॉड y इक्वल टू x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाइए। तो देखिए y इक्वल टू जो रूट x है ना, उसका जो ग्राफ होता है हमारे सामने वो कुछ ऐसा होता है। और जब y पर मॉड लगा देते हैं, ठीक है ना, तो ये ग्राफ आपका क्या हो जाता है, नीचे की तरफ भी रिपीट हो जाता है। ऐसे ही आपके पास में y इक्वल टू x माइनस 2 का जो ग्राफ होगा, ठीक है, अगर हम बात करें मॉड y इक्वल टू, वैसे तो x माइनस 2 दिया हुआ है, लेकिन पहले y इक्वल टू x माइनस 2 की बात करें, तो देखिए जब y 0 होगा तो x 2 होगा, और जब x 0 होगा तो y माइनस 2 होगा। लेकिन क्यों मॉड लगा हुआ है, तो हम सिर्फ इतना ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऊपर वाला, क्लियर। क्यों, क्योंकि वाई पर मॉड लगा हुआ है, तो इसके बाद में ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, जैसा उसमें हुआ था वैसा ही इसमें हो जाएगा। अब आपको इन दोनों से बाउंडेड एरिया चाहिए, मीन्स आपको इस वाले पार्ट का क्या निकालना है, एरिया। दोनों ग्राफ सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। लेकिन ऊपर वाला निकालने के लिए देखिए इस बिंदु के निर्देशांक तो है आपके सामने 2, 0, ठीक है, इसके निर्देशांक है 0, 0, कोऑर्डिनेट्स 0, 0 और 2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 और y इक्वल टू रूट x। y की जगह पर x माइनस 2 पुट करके स्क्वायरिंग कर दें तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x, दैट इज माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर है और ये ग्राफ इधर जा रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और x जब 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए ये एरिया निकाल सकते हो आप दोनों तरीके से, y एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो और x एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो। तो हम y एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा ईजी रहेगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। y एक्सिस के अबाउट जब भी आप एरिया निकालते हो, अगर आपका एक कर्व टोटली राइट में है और एक कर्व अगर टोटली लेफ्ट में है, ठीक है ना, तो आप राइट माइनस लेफ्ट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो देखिए ये जो कर्व है आपका, ठीक है, ये इसके कंपेरेटिव में टोटली कैसा है, राइट में है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो कर्व था इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, और उसका जो इक्वेशन था वो था वाई इक्वल टू रूट एक्स। तो क्योंकि हम वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो हम एक्स वाली टर्म लेंगे, तो राइट वाला जो कर्व है आपका वाई की लिमिट लेंगे 0 से 2, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई प्लस 2, और फिर माइनस यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर। और इस एरिया को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ताकि हमारे पास में नीचे वाला एरिया भी आ जाए, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू a है तो ये भी a होगा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y माइनस y क्यूब बाई 3 0 से 2 और इसका डबल। तो देखिए कितना आ रहा है, 2 से कट जाएगा, जब 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और माइनस जब 2 पुट करेंगे तो 8/3, सो देयर विल बी 16/3। सो 4 प्लस 8 माइनस 16/3, ये आपका आंसर आ रहा है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 4 12 माइनस 16/3, एलसीएम लेंगे 36 माइनस 16, दैट इज 20/3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, अभी आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको क्या दिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 3/4। तो देखिए जब भी कोई सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, अच्छा इसमें सिग्मा भी लगा हुआ है, आर इक्वल टू 1 से एन, ठीक है, जब भी कोई सीरीज वाला क्वेश्चन आता है तो उसको हम जनरली क्या करते हैं, टेन इनवर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, और हम ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं वहाँ पर टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और ताकि हम इसको ऐसे लिख सकें, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए इसको टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3/4,
जैसे ही टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे ये आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आने के बाद में आपको नीचे ये वाला फॉर्मेट बनाना है, मीन्स वन को अलग करना है इसमें से, तो आपको मिलेगा वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर। आपने वन को अलग किया तो पीछे बचेगा वन माइनस फोर। इसके बाद में आपको इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस आर प्लस वन बाई टू इंटू आर माइनस वन बाई टू। और फिर इसी की हेल्प से आपको क्या करना है, अपने न्यूमरेटर को लिखना है। न्यूमरेटर वन होना चाहिए लेकिन इसकी हेल्प से लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो, आर प्लस वन बाई टू माइनस आर माइनस वन बाई टू। देखिए आर से आर कट जाएगा और वन बाई टू और वन बाई टू मिलकर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। दैट मीन्स जैसा पहले था अभी भी वैसा ही, हमने कोई चेंज इसमें नहीं किया है। लेकिन अब हमारा ये फॉर्मेट आ गया, तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स आर प्लस वन बाई टू माइनस टेन इनवर्स आर माइनस वन बाई टू। अब हम इसमें सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले आर इक्वल टू वन से एन, तो देखिए कितना आएगा। जब वन पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स थ्री बाई टू और यहाँ पर आएगा माइनस का टेन इनवर्स वन बाई टू। जब टू पुट करेंगे तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स फाइव बाई टू और यहाँ पर आएगा माइनस का टेन इनवर्स थ्री बाई टू। फिर नेक्स्ट टर्म पुट करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स सेवन बाई टू, यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स फाइव बाई टू। ऐसे लास्ट में जब n पुट करेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स n प्लस वन बाई टू और माइनस का टेन इनवर्स n माइनस वन बाई टू। क्लियर है? अब देखिए आपकी ये टर्म इससे कट रही है, ठीक है, और क्या माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू कटेगा, ऐसे आगे आएगा उससे ये कट जाएगा। तो इधर से आपके पास में कौन सी टर्म बची, सेकेंड टर्म, तो पीछे से भी आपके पास में सेकेंड टर्म बचेगी, ठीक है ना, बाकी सारे कट जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इनिशियली से दो टर्म बच जाती है, तो जो आप काउंटिंग कर लो कौन कौन सी बच रही है, दूसरी और चौथी बच रही है, तो पीछे से भी आपके पास में सेकेंड और फोर्थ बच जाएगी। चलिए तो फाइनली आपके पास में क्या रहा, आपको मिला टेन इनवर्स एन प्लस वन बाई टू माइनस टेन इनवर्स आप। अब आपको इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये बनेगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी टेन इनवर्स वन बाई टू। ये पाई बाई टू होता है माइनस टेन इनवर्स वन बाई टू, जिसको लिख सकते हो आप कोट इनवर्स वन बाई टू। लेकिन देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कोट इनवर्स वन बाई टू, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नन ऑफ दीज पे जाना है। ठीक है, पहले चेक करें इसको दूसरे वाले में कन्वर्ट करके, तो अगर आप इसको टेन इनवर्स में वापस कन्वर्ट करोगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टू। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो थ्री है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है आपको कर्व के एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। जब ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट क्या होगी वो आपको बतानी है। तो जब वाई एक्सिस को कट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसका x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट निकालें इसके अंदर, ठीक है ना, x को जीरो पुट करके देखें कि y कितना आ रहा है। तो देखिए जब आप x जीरो करेंगे तो y हो जाएगा आपके पास में वन माइनस ई टू दी पावर जीरो, दैट इज वन माइनस वन, तो y भी कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ओरिजिन पर क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट आपकी कहाँ से पास कर रही है, जीरो कोमा जीरो से। अगर टेंजेंट का समीकरण चाहिए और अगर ये पॉइंट आपका कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो डी वाई बाई डी एक्स से आ जाएगी। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई टू का एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का हो जाएगा वन बाई टू। अब हमें कौन से पॉइंट पे स्लोप चाहिए, जीरो कॉमा जीरो पे, तो फिर से इसमें जीरो कॉमा जीरो पुट करेंगे, सो माइनस जीरो बाई टू, सो दैट इज माइनस वन बाई टू। तो ये आ जाएगी आपके पास में स्लोप और ये है आपके सामने पॉइंट। तो आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज वाई माइनस जीरो विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स माइनस जीरो, सो टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर वन। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 का
आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है देखिए, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेज थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस एंड टच इट एट द पॉइंट 6.9। देखिए हमें उस सर्कल का समीकरण चाहिए, इक्वेशन चाहिए जो इसकी फोकस से पास कर रहा है और साथ में वो इस परवले को, इस पैराबोला को 6.9 पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, 6.9 पर इसकी टेंजेंट का समीकरण लिखे तो टेंजेंट का समीकरण आएगा 6x विल बी इक्वल टू 4 टाइम y प्लस 9/2। तो आपको मिलेगा 2 टाइम कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम, सो 3x माइनस y विल बी इक्वल टू 9, या y माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके सामने क्या आ जाएगा इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, देखो ये कोई एक परवले है, पैराबोला है, इस पर कोई बिंदु है 6.9। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक सर्कल लिखना है। ठीक है, जो इसकी फोकस से पास कर रहा है, इसका फोकस होगा आपका 0.1 से। तो देखिए आपने सर्कल के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर आपको इसका इक्वेशन पता हो और अगर आपको इसका पॉइंट पता हो तो आप यहाँ से इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इस पॉइंट सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। तो इस पॉइंट है हमारे पास में 6.9, तो यहाँ से आपको पॉइंट सर्कल की इक्वेशन आएगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर, और फिर लेमडा टाइम इस टेंजेंट का इक्वेशन, और टेंजेंट का इक्वेशन है आपके सामने y माइनस 3x प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे ना सबकी इक्वेशंस लिख सकते हो। क्लियर है, अब जो हमारा सर्कल है वो 0.1 से भी पास कर रहा है साथ में, तो इसको 0.1 से पास करवा दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 36 प्लस, यहाँ पर पुट करोगे तो 64 प्लस लेमडा टाइम 1 माइनस 0 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0, सो 10 लेमडा इक्वल टू माइनस 100, सो लेमडा इक्वल टू माइनस 10। लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो देखते हैं कितना आ रहा है। देखो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81, और माइनस का 10y प्लस 30x और माइनस का 90 विल बी 0। कितना आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 प्लस 30 कितना हो जाएगा, प्लस का 18x माइनस का 28y, यहाँ से माइनस 9 और प्लस 36, तो 36 में से 9 को सबट्रैक्ट कर दो, सो 27 इक्वल टू 0। ये आपके रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन होगा, और ऐसी इक्वेशंस आपको दी गई है इक्वेशन नंबर 1, सो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, इसको अप्लाई कीजिए हमेशा क्वेश्चन में जब भी आता है। ठीक है, आपको कोई भी एक इक्वेशन और उसके ऊपर अगर पॉइंट चाहिए, पॉइंट दिया हुआ है ठीक, और वहाँ से सर्कल लिखना है तो पॉइंट सर्कल और उस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट पी आर एट राइट एंगल देन लोकस ऑफ पी। तो सबको पता होगा आप लोगों को ठीक है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पैराबोला में कहाँ से ड्रॉ की जाती है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स से। ठीक है ना, प्रॉपर्टी होती है ठीक है, उसकी जो नियता होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है ठीक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो एक्चुअली आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसकी डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण निकालना है जो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम एक्स माइनस 3, इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कर देते हैं x इक्वल टू माइनस 1, लेकिन ध्यान रखिए x इक्वल टू माइनस 1 तो तब आता है जब आपके पास में स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होकर के होगा क्वेश्चन। कैसे करते हैं देखो, बहुत सिंपल तरीका होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम x माइनस 3, इसको y मान लीजिए, ये 8 है, इसको x मान लीजिए। इस पैराबोला के लिए क्या होता है समीकरण, x इक्वल टू माइनस a। अब सारी चीज़ें रिप्लेस कर दो, y तो y ही है
एक्स है आपके पास में एक्स माइनस थ्री और फोर ए है आपके पास में एट, मीन्स ए की वैल्यू कितनी है टू। तो कितना आएगा देखिए, एक्स की जगह पर पुट किया एक्स माइनस थ्री और ए की जगह पर पुट किया टू, सो माइनस टू। सो एक्स इक्वल टू वन विल बी द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू वन इसका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। द फोकस ऑफ ए हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकस ऑफ द एलिप्स। इस एलिप्स का फोकस और हाइपरबोला का फोकस दोनों सेम है। देन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ इसेंट्रिसिटी इज 5/2। सो उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी जिसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो, 5/2। तो देखिए, क्योंकि ये जो आपको इलिप्स दिया गया है इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो जो हाइपरबोला होगा उसकी भी जो आपके पास में ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस ही होगी। तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग देखना है। तो इसकी जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए ई कोमा जीरो। ए है यहाँ पर आपके सामने 7 और बी है आपके पास में, बी स्क्वायर की वैल्यू है 24। तो क्या होता है तरीका, ठीक है, ए स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर। तो तरीका इसका ये होता है, छोटे नंबर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बड़े नंबर का स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर, ठीक है। ई निकालने का ये तरीका रहेगा, क्योंकि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो यहाँ से निकलेंगे। सो यहाँ से आएगा 24/49 will be equal to 1 - e square, so e square will be equal to 1 - this 25/49, so e will be equal to 5/7. e 5/7 है, a 7 है, तो यहाँ से आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ±5, 0। ये क्या है, फोकस, और यही आपके हाइपरबोला का भी फोकस है। क्लियर है? तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमें इस हाइपरबोला का फोकस मिल गया ±5, 0। अब देखिए, यहाँ से हमें फोकस पता चल गया है, ठीक है, उसकी इसेंट्रिसिटी हमें दी गई है, ठीक है। तो वहाँ से देखिए, ए बी निकाल सकते हैं हम, वापस ए ई की वैल्यू दे रखी है आपको 5, तो और ए निकालना है किसके लिए, हाइपरबोला के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए इसेंट्रिसिटी 5/2 है, तो 5 से 5 कट जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। उसके अंदर आपके पास में इक्वेशन निकालने का क्या तरीका होगा, x²/a²-y²/b² अगर हाइपरबोला है, और यही है क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया था कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव वाला जो नंबर होगा उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू पॉजिटिव वाले नंबर का स्क्वायर इंटू e²-1। ये इसका तरीका होता है निकालने का। ई 5/2 है, सो 4 × 25/4-1, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 21। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पुट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। सो x²/4 - y²/21 = 1, ये आपका जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या करना है देखिए आपको, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y² = 16x एंड xy = -4 विल बी, ठीक है ना। दो कर्व दिए हुए हैं और दोनों की आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। एक है आपके पास में y² = 16x और दूसरा है आपके सामने xy = -4। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप दोनों की कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखें और फिर उसमें कंपैरिजन कर लें, तो आफ्टर कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि कई बार अगर हमें दोनों के अंदर कॉमन टेंजेंट पता ना चले, ठीक है, तो आप एक से निकाल करके दूसरे में पुट कर दीजिए, और क्योंकि उन दोनों का आपस में एक ही सॉल्यूशन होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दीजिए, वैसे कर सकते हैं। तो y² = 16x के लिए हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखते हैं, तो वो होती है y = mx + a/m। ए कितना है यहाँ पर, 4 होगा, क्योंकि 4 ए की जगह पर कितना है, 16 है। अब ये आपके सामने इसका भी क्या है, कॉमन टेंजेंट xy = -4, तो इसमें क्या कीजिए, y की जगह पर पुट कर दीजिए mx + 4/m विल बी इक्वल टू -4। और अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इस पैराबोला और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है आपके सामने, ठीक है, इन दोनों का क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका दोनों का आपस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए बात करते हैं,
तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का फोर एम। तो एम स्क्वायर एक्स प्लस फोर एम विल बी जीरो। कितना आ रहा है देखो, देखे इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 16 माइनस फोर इंटू एम स्क्वायर इंटू फोर एम विल बी जीरो। तो यहाँ से मिलेगा आपको एम क्यूब विल बी इक्वल टू वन, सो एम इक्वल टू वन, और एम की वैल्यू वन यहाँ पुट कर दे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, माइनस ए से ए, वन माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए जब भी माइनस ए से ए वाली लिमिट आती है तो हम सबसे पहले इवन ऑड फंक्शन चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरा फंक्शन ऑड हो जाता है, और कई बार ये होता है कि कुछ पार्ट ऑड हो जाता है कुछ पार्ट इवन होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, कुछ पार्ट ऑड होगा कुछ इवन होगा। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, माइनस पाई से पाई वन टाइम साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस पाई से पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये जो फंक्शन है ना ये तो आपका ऑड होगा, और ये जो फंक्शन है ये इवन होगा, तो इसका आंसर तो जीरो आएगा, और इसका आंसर आएगा कुछ भी फाइनाइट जो हम निकालेंगे। क्लियर है? तो पहले वाला पार्ट जीरो हो गया। इसके अंदर आप क्या करें, सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करें ए प्लस बी माइनस एक्स वाले, और उससे देखते हैं कितना आएगा। सो आई विल बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस पाई से पाई, ये बन जाएगा आपके पास में जीरो माइनस एक्स, यहाँ पर भी बन जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, हमने क्या अप्लाई किया, ए प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा ए प्लस बी माइनस एक्स से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वापस हम वैसे ही आ जाएंगे। एक काम करें, इसके अंदर सबसे पहले क्योंकि ये इवन फंक्शन है, और इसके अंदर अगर हम एक्स की जगह पर वापस माइनस एक्स पुट करते हैं तो यही फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करें, इसमें आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें इवन फंक्शन वाली, माइनस पाई से पाई है तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टू टाइम जीरो से पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें ए प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो यहाँ से आपको मिलेगा आई इक्वल टू माइनस टू जीरो से पाई, ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, ये माइनस साइन आएगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस थीटा के अंदर स्क्वायर है तो वापस वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करो, देखो यहाँ माइनस टू एक्स है और यहाँ पर आपके सामने प्लस टू एक्स है, तो दूसरी वाली टर्म तो कट जाएगी और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस टू आई विल बी इक्वल टू माइनस टू टाइम पाई। ठीक है ना, इसके साथ में माइनस साइन रहेगा, ये प्लस का ये माइनस का, एक्स वाली टर्म कट जाएगी और आपके पास बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन है आपका जीरो से पाई। क्लियर है? अब आप इसमें क्या करें, अगर देखिए आप जीरो से पाई अगर इसमें पुट करते हैं, ठीक है, या ये देखें कि जीरो से पाई माइनस एक्स पुट करते हैं तो वापस वही फंक्शन आ रहा है, तो इसके अंदर आप लिमिट आदि करने वाली प्रॉपर्टी लगाएं, और उसमें हम क्या करते हैं टू आई विल बी इक्वल टू माइनस टू पाई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टू टाइम जीरो से पाई पाई टू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये आपके पास में एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप की, जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और एक्स की जगह पर अगर हम टू ए माइनस एक्स पुट करते हैं और वापस वही फंक्शन आ जाता है तो ये टू टाइम हो जाता है और लिमिट आधी हो जाती है एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए इसके अंदर आप क्या करें, कॉस एक्स को टी पुट करें। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन जो है, अच्छा आप ये ना करते, सीधा अगर करते तो भी हो जाता, यहाँ पर भी अगर कॉस एक्स को टी पुट करते, ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए बात करते हैं, इसके अंदर अगर हम कॉस एक्स को टी पुट करते हैं तो जो हमारे पास में साइन एक्स है, कॉस एक्स को अगर हम टी पुट करते
तो माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स जो है वो डी टी के इक्वल आ जाता। एक्स टेंडिंग टू जीरो, टी टेंडिंग टू वन, एक्स टेंडिंग टू पाई पाई टू, टी टेंडिंग टू जीरो, और एक टू से एक टू कट जाएगा तो यहाँ से आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू पाई वन से जीरो टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइनली आपको इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस का टू पाई, ठीक है, टी क्यूब डिवाइड बाई थ्री और लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन। तो फाइनली माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो टू पाई जीरो माइनस वन बाई थ्री। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आ गया माइनस का टू पाई बाई थ्री, ठीक है ना। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। तो 17 का आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एक बार दोबारा देख ले क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी यूज की, उससे ये जीरो हो गया, ये इंटीग्रेशन डबल हो गया। फिर हमने इसके अंदर किंग रूल लगाया। किंग रूल क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है आपकी लिमिट ए से बी अगर होती है तो उसको आप ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपके सामने इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसके अंदर जैसे आपने पुट किया ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, तो आपके पास में ये इंटीग्रेशन ऐसे कन्वर्ट हो गया। फिर आपने इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दिया, तो देखिए जो एक्स वाला जो टर्म है ना वो तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस टू एक्स है और यहाँ पर प्लस टू एक्स है इसके साथ में, और पाई वाला जो टर्म है वो रह जाएगा। इसके बाद में हमने लिमिट आधी करने वाली ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो इससे लिमिट आधी हो गई। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया और इंटीग्रेशन को कैलकुलेट किया है, तो ठीक है। तो तीन चार प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका, हाइट एंड डिस्टेंस से है। ए पर्सन वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रोड ऑब्जर्व दैट एट टू पॉइंट्स 1 किलोमीटर अपार्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 30 डिग्री एंड 75 डिग्री देन फाइंड हाइट ऑफ द पोल। देखिए ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रहेगा, देखते हैं कैसे करेंगे। क्या दिया है, देखो एक आदमी एक रोड पे चल रहा है और सामने की तरफ कोई एक पोल है, क्लियर है। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर वो ये देखता है कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना 30 डिग्री से 75 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया कि इस पोल की हाइट कितनी होगी, एच कितना होगा, ठीक है ना। जैसे मैं इधर से ऐसे रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने देखा सामने एक पोल था, उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। फिर जैसे ही मैं 1 मीटर चला यहाँ से, ठीक है, तब मैंने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। तो ऐसा ही है, पहले आपका आदमी यहाँ पर खड़ा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, वो यहाँ से 1 मीटर चला, 1 किलोमीटर सॉरी, तो वो यहाँ पहुँचा और फिर उसने देखा कि वो 75 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो चुका है। तो आपको इसकी क्या करनी है, हाइट निकालनी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए बहुत इजीली निकाल सकते, 30 डिग्री 75, इसको एक्स मान लीजिए, सो एच बाई एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 1075 डिग्री, और एच अपॉन एक्स प्लस वन जो होगा वो कितना हो जाएगा 1030 डिग्री। हमें एच निकालना है, मीन्स यहाँ से एक्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो x को रिमूव करने के लिए यहाँ से x निकाल लें, सो x प्लस वन विल बी इक्वल टू एच अपॉन 1030, 1030 होता है 1/√3, सो दैट इज √3h। तो यहाँ से x आ जाएगा √3h-1, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो h विल बी इक्वल टू कितना आएगा, देखो h आएगा x इंटू 1075, कितना होता है, ये होता है साइन 75 डिवाइड बाई कॉस 75। साइन 75 की तरफ ज़्यादा होगा, कॉस कम होगा, तो एक्स की वैल्यू है √3 times h-1 और ये बनेगा आपका √3-1/√3+1 और इधर कितना है एच। इसको सोल्व कर लीजिए और देखिए देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। और ये 1 किलोमीटर में दिया हुआ है और आंसर्स आपको मीटर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो वन है, ठीक है ना, इसको भी आप क्या कर लीजिए, उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने यूज़ किया था मीटर में 1000, यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 1000, क्लियर है। यहाँ पर 1 को कन्वर्ट मत करना क्योंकि ये तो फॉर्मूले में था, ठीक है। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, इसको रेशनलाइज कर लीजिए
इसको रेशनलाइज करने से आपको मिलेगा h विल बी इक्वल टू रूट थ्री एच माइनस 1000, यह आएगा रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो h इक्वल टू मिलेगा आपको रूट थ्री एच माइनस 1000 और साथ में यहाँ से आएगा 3 प्लस 1 4 बाई 2 2 हो जाएगा माइनस रूट 3। तो h का कोफिशिएंट देखिए कितना आ रहा है, सबको मैं उधर ले जाता हूँ तो h आ जाएगा आपके सामने 1 माइनस रूट 3 और इसको इधर ले आया तो ये बन जाएगा 1000 टाइम 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ से h की वैल्यू मिलेगी आपको 1000 रूट 3 माइनस 2 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1। इसको और रेशनलाइज एक बार सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए देखिए कितना आ रहा है फाइनल आंसर। तो h विल बी इक्वल टू आएगा 1000 रूट 3 माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आएगा h विल बी इक्वल टू 500 इंटू रूट 3 माइनस 2 दैट इज 3। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और माइनस 2। सो फाइनली h विल बी इक्वल टू आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 माइनस रूट 3। सो ऐसा ऑप्शंस कौन सा है एक बार कैलकुलेशन चेक करें, हो सकता है कि हमने कहीं पर कैलकुलेशन में कुछ एरर की हो। देखिए x प्लस 1000 h अपॉन x प्लस 1000 विल बी 1030, x प्लस 1000 विल बी इक्वल टू h अपॉन 1030, 1030 होता है 1 बाई रूट 3 तो ये ऊपर आ जाएगा। सो x इक्वल टू आ जाएगा रूट 3h माइनस 1000, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से h बाई x विल बी इक्वल टू 1075, h इक्वल टू आ जाएगा x टाइम साइन 75 डिवाइड बाई कॉस 75। x की वैल्यू हमने ये जो निकाली थी वो पुट कर दी, रूट 3h माइनस 1000, अच्छा ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, तभी मैंने सोचा क्या गड़बड़ कर दी। साइन 75 जो होता है वो ज़्यादा होता है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इसको जब रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर प्लस आएगा नीचे 3 माइनस 1 ही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ से आएगा आपका रूट 3h माइनस 1000 2 प्लस रूट 3, क्लियर है। सो इसको फर्दर आ गया जब आप देखेंगे, ठीक है अब सारी टर्म्स को एक साइड करके इसको दोबारा कैलकुलेट करके देखें कितना आ रहा है। ठीक है तो यहाँ से आएगा, देखिए इसको इधर ले आए, सो एच वाली टर्म को सबको एक साइड, सो रूट थ्री टू टाइम रूट थ्री प्लस थ्री और उधर से आ जाएगा आपके सामने माइनस 1 टाइम एच और इक्वल टू में 1000 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा एच टाइम 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3 विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 2 प्लस रूट 3। सो फाइनली h इक्वल टू आएगा 500 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करो तो अब आपका आंसर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, कितना आ रहा है देखो 500 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 कितना आएगा देखिए 2 रूट 3 माइनस 2 प्लस 3 और माइनस रूट 3 और डिवाइड बाई 2, तो बाहर आएगा 250 और अंदर बचेगा आपके पास में 3 माइनस 2 1 प्लस रूट 3। सो 250 इंटू 1 प्लस रूट 3 ये आपके सामने क्या होगी, आपके पॉल की हाइट होगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो 18 का ये करेक्ट था। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस का ध्यान रखें क्योंकि इस टाइप का इरेशनल टाइप का जब डेटा आता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होने के चांसेज हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा दिस फ्रॉम देयर मीन इज टू 55 देन डी विल बी इक्वल टू कितना होगा। तो चलिए बात करते हैं, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले क्या कीजिए, मीन निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, उसी से हम क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है देखते हैं, तो सो इसका मीन कितना आएगा, सबसे पहले बात करते हैं एक्स बार, तो वो आएगा 1 प्लस 1 प्लस डी प्लस 1 प्लस 2 डी अप टू 1 प्लस 100 डी डिवाइड बाय 101 टर्म्स होगी, क्लियर है।
तो ऊपर एक एपी है उसका फॉर्मूला लगाया, उसमें 101 टर्म्स है, तो 101 बाई 2 1 प्लस लास्ट टर्म हमें दी हुई है, सो 100 डी और डिवाइड बाय 101, तो ये कट जाएगा और इससे आपको आंसर मिलेगा 2 प्लस 100 डी, सो दैट विल बी 1 प्लस 50 डी। ये क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपने डेटा में से इसको आपको सबट्रैक्ट करना है, या ये कहें कि एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस निकालना है आपको, ठीक है। तो सारे डेटा में से इसको सबट्रैक्ट करके मॉडुलस जब लेंगे तो देखिए, पहले वाले में से सबट्रैक्ट करेंगे तो 50d आएगा, फिर 49d आएगा, फिर 48d आएगा, ऐसे चलता रहेगा। मिडिल टर्म पर आओगे तो 0 आएगा, ठीक है ना, और फिर वापस शुरू हो जाएगा 1d 2d अप टू लास्ट वाले में जब जाएंगे तो फिर से आपके सामने कितना आएगा, 50d आ जाएगा। अब आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाने के लिए इसमें क्या करना है, फिर से इसको सम करना है और डिवाइड बाई एन, तो ये आपका क्या होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला। यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए 2 टाइम आएगा, ठीक है ना, 1d प्लस 2d अप टू 50d और डिवाइड बाई 101। इसमें टोटल 50 क्रम है, सो 2 टाइम 50 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो इसका सम हो जाएगा, और डिवाइड बाई 101, और मीन डेविएशन की वैल्यू दी हुई है आपको 255, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा, सो 50 इंटू 51d डिवाइड बाई 101 विल बी इक्वल टू 255, सो डी विल बी इक्वल टू आ जाएगा 255 इंटू 101 डिवाइड बाई 50 इंटू 51। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, जैसे ये कैलकुलेशन करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 10.1, ठीक है ना। इसको काट लीजिए और फाइनली जो भी नंबर बच रहा है उसको डिवाइड करके जो फाइनल आंसर देखेंगे तो 10.1 जो है वो इसका आंसर होगा। इसी के साथ में इस वाले पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, वेयर एफएक्स ए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ एफ डेस एक्स विल बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस। तो चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और इसके बाद में आपको उसको सॉल्व करना है। सो इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स विल बी जीरो, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको ये आएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स, यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स, तो ये थोड़ा सा डिवीजन वाले टाइप का लग रहा है और हमें ये भी रखा है कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या कर दें, इसको एफ डैश एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दें दोनों साइड, ठीक है ना। इससे क्या मिलेगा देखो आपको, इससे आपको मिलेगा ये है कि एफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स दैट विल बी जीरो। इसको जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो देखिए इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों है, तो दोनों चीज़ें हट जाएगी और आपको सिर्फ बचेगा एफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्टेंट सी। अब इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है और एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू आपके सामने 2 है विल बी सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स दैट विल बी 1/2। इसको उल्टा कर दीजिए, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स दैट विल बी 2। फिर से इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करें, लेकिन नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एफ एक्स और इधर आ जाएगा 2x प्लस सी। फिर से इसमें x इक्वल टू जीरो पुट करें तो एफ ऑफ जीरो दैट इज 1 और लॉग 1 होता है 0, इधर 0 पुट किया, इसको c1 ले लीजिए c1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई।
तो log ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा e टू दी पावर 2x। और आपसे क्या पूछा है, आपसे एफ एक्स ही पूछा है क्या होगा, सो दैट इज e टू दी पावर 2x, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। इसी के साथ आपके जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस है इस मेजर टेस्ट के वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर है। और इसके आगे आपको 5 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप के और दिए गए हैं, तो उन इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चंस है उनका क्या सॉल्यूशन होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनका जो आंसर होगा आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, 0 से लेकर के 99 के बीच में डबल डिजिट में आपको आपका आंसर देना है। एवरी क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर देयर विल बी 0 मार्क्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को पहले पढ़ ले हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है ना। इससे पढ़ने से मतलब ये तो नहीं है कि आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा जब नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है पेपर में तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको क्या दिया है, देखो r इक्वल टू 0 से n r अपॉन n c r, इसको सॉल्व करके वापस इसके इक्वल में एक नंबर दिया है, तो पहले इसको सॉल्व हम करते हैं कितना आएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये s है, ठीक है, और क्योंकि देखिए इसमें ऊपर एक नंबर दिया है नीचे वही है, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है समीशन में, ठीक है, आप n r को n माइनस r से अगर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा n माइनस आर डिवाइड बाई एन सी एन माइनस आर, आर को n माइनस आर से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए ये तो n माइनस आर ही रहेगा, लेकिन ये वापस एन सी आर लिख सकते हो आप इसको। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो यहाँ से मिलेगा आपको 2s विल बी इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा r प्लस n माइनस आर और नीचे आ जाएगा आपके सामने एन सी आर, ठीक है ना, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n, r से r कट जाएगा। और ये देखिए अब आपको किसके इक्वल दिया है, तो यहाँ से अच्छा s हमें निकालना है, तो s आ जाएगा n बाई 2 डिवाइड बाई एन सी आर इंटू समीशन, और ये इक्वल टू में दे रखा है s की वैल्यू आपको समीशन 7 अपॉन एन सी आर, r इक्वल टू 0 से n, ठीक है। तो देखिए n बाई 2 की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था इंटीजर टाइप का जिसका आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है, x dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y माइनस 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए y की टर्म एक ही जगह पर आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम पता चल गया कि ये मेथड लगेगा, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x dy by dx माइनस y विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। ये लीनियर तो है लेकिन यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको x से डिवाइड करते हैं, माइनस 1 बाई एक्स वाई विल बी इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एल एन एक्स दैट विल बी इक्वल टू e टू दी पावर एल एन ऑफ 1 बाई एक्स और दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबको पता होगा, ये जो है y का कोएफिशिएंट इसको e की पावर में इंटीग्रेट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, और फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके फिर आप क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो y इंटू 1 बाई एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा x माइनस 2 बाई एक्स है, सॉरी नीचे वाले से देखें, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ये आपका तरीका रहेगा। इसको सॉल्व करें, x x कट जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या आएगा देखो, 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई एक्स, तो ये बन जाएगा 2 बाई एक्स एंड प्लस सी वाई बाई एक्स विल बी इक्वल। अब देखिए आपको y ऑफ 1 की वैल्यू 1 दी हुई है,
तो उससे देखो y ऑफ 1 की वैल्यू 1 मीन्स y को जब 1 पुट करोगे तो ये भी 1 है, 1 प्लस 2 प्लस c, तो 1 से 1 कट जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो फाइनली आपको y कितना मिलेगा, y की वैल्यू आएगी x टाइम x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2। आपसे पूछा है y ऑफ 2, तो y ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम 2 प्लस 2 बाई 2 माइनस 2, ये कट जाएगा। सो y ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1, दैट इज 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है आपका वो 0-2 आ जाएगा। मीन्स जब इसको आप आंसर शीट में भरेंगे तो किस तरीके से भरेंगे, 0 और 2। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे हैं आपके इस इक्वेशन के। तो देखिए, एक आपका टेन इन्वर्स में है, दूसरी टर्म आपकी कॉस इन्वर्स में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थ्री टाइम टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स 1 - 3x² / 1 + x² / 3/2। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जीरो होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमारा डेटा ऐसा दे रखा है, यहाँ पर 1 + x² भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर x को tan थीटा अगर मान ले तो अपना काम बन सकता है। अगर मैं x को tan थीटा मानता हूँ तो ये बन जाएगा 3 times tan inverse tan theta प्लस ये बन जाएगा cos inverse 1 - 3x² tan² theta / 1 + tan² theta होता है sec square theta, और 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा sec cube theta। सिर्फ इस टर्म को देखिए, हम थोड़ा अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 - 3 sin² theta / cos² theta / 1 - cos³theta। ठीक है ना, ये अंदर वाले जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक कॉस बाहर बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा cos² theta - 3 sin² theta। साइन स्क्वायर को भी 1 - cos² लिख लें तो क्या, ताकि पूरे को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकें, तो ये बन जाएगा cos² - 3 + 3 cos² theta। तो कितना आ रहा है देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कॉस और 1 + 3 = 4 हो जाएगा, सो 4 cos³θ - 3 cos θ। ये तो बहुत अच्छा काम बन गया, cos³θ के इक्वल आ गया, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद cos³θ। तो देखिए, ये है 3 tan inverse tan θ और ये है cos inverse cos³θ। अब देखो, इसके अंदर आपसे पूछा गया कि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो जो टेन इनवर्स टेन थीटा है, ठीक है, वो आपके पास में अगर थीटा होता है 3θ, तो अगर ये -3θ हो जाए, ठीक है, तो अपने पास में इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, या ये कहे कि ये इसके इक्वल कब होगा, ठीक है ना, जब एक का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और एक का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों का जो सम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, 3θ और -3θ करके हमने 0 तो कर दिया, लेकिन ये 3θ और ये -3θ होगा कब, ठीक है ना, कौन से इंटरवल में ऐसा होगा। क्लियर है? तो देखिए, cos inverse cos³θ जो होगा, ठीक है ना, ये -3θ तब होता है, ठीक है ना, जब ये -π से 0 में होता है। क्लियर है? और tan inverse tan θ आपके सामने जो 3θ होगा, ठीक है ना, वो कब होगा, ठीक है, जब ये आपके सामने कहाँ पर होगा, मिस टेन इनवर्स टेन थीटा का अगर हम ग्राफ देखें, ठीक है ना, तो आपको इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना, इस टाइप का। तो ये होगा आपका कब, जब -π/2 से कहाँ पर हो, 0 की तरफ हो। क्लियर है? या ये कहें कि ये आपके पास -3θ कब होगा, जब ये -π से 0 में होगा। तो हम इसी से अगर बात करें कि -π से 0 में जब आपके पास में 3θ का इंटरवल होगा, ठीक है ना, तब ये क्या होगा, ये -3θ होगा, क्योंकि हमने कंडीशन तो इसी पे लगाई है कि ये +3θ हो जाए और ये -3θ हो जाए।
तो यहाँ से थीटा का इंटरवल कितना हो जाएगा, माइनस पाई पाई थ्री से जीरो। अच्छा, हमने थीटा माना किसको था, एक्स इक्वल टू टेन थीटा को, या टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था, थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपके सामने थीटा पुट करें, टेन इनवर्स एक्स बिलोंग टू माइनस पाई पाई थ्री से जीरो। तो एक्स का इंटरवल कितना आएगा, माइनस रूट थ्री से जीरो के बीच। माइनस रूट थ्री से जीरो के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, ठीक है, दो इंटीजर्स होंगे, एक माइनस वन होगा और एक जीरो खुद होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसके आपके सामने कितने हो जाएंगे, दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक माइनस वन और दूसरा जीरो। आपसे पूछा है कि कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो आपका आंसर होगा टू। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका वेक्टर से है, ठीक है ना, ए और बी आपके पास में एनी टू यूनिट वेक्टर्स है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इसमें क्या होंगे। तो देखिए, ए और बी क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है, तो आप ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे और ए माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिलता है, ए प्लस बी का जो मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है ना, उसको आप जैसे मॉड ऑफ ए स्क्वायर, उसको ए डॉट ए लिख सकते हो। तो ऐसे ही ए प्लस बी का जो मॉडुलस का स्क्वायर है उसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करना, देखना, ए डॉट ए मॉड ए का होल स्क्वायर वन, बी डॉट बी मॉड बी का होल स्क्वायर वन, प्लस टू टाइम मॉड ए मॉड बी, वन इंटू वन इंटू कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा टू प्लस टू कॉस थीटा, दैट इज टू टाइम वन प्लस कॉस थीटा, और दैट इज टू टाइम टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। सो दिस विल बी फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ऐसे आप ए माइनस बी के मॉडुलस को सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें और उसमें क्या फर्क आएगा, बीच में माइनस साइन का, तो ये बनेगा आपके पास में टू माइनस टू कॉस थीटा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब आपको इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी गई है तो आप निकाल सकते हो, देखिए टू डिवाइड बाई फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस टू डिवाइड बाई फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। कैसे निकालेंगे लीस्ट वैल्यू, टू कट जाएगा, एक वन बाई टू बाहर आ जाएगा, सेग स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कोसेग स्क्वायर थीटा बाई टू। सेग और कोसेग के अंदर तो हम डायरेक्ट कुछ कर नहीं पाएंगे, बट इसको टेन कोट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखिए, अगर आप इसमें ए एम जी एम लगाएंगे तो इन दोनों की जो लीस्ट वैल्यू आएगी ना वो टू आएगी, इन दोनों के सम की। तो आपका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। कैसे आएगी लीस्ट वैल्यू, टू। तो इसमें जब आप ए एम जी एम लगाएंगे तो उधर से ये टर्म कट जाएगी, बाई टू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू, सो दैट विल बी वन। ठीक है, ये टू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टू आएगी। जो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फोर बाई टू, दैट इज टू। चलिए, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू एन इलिप्स विथ द लाइंस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू द फोकस एस एंड एस डैश ऑफ द इलिप्स बी पी एंड क्यू, देन द वैल्यू ऑफ सी पी माइनस सी क्यू इज इक्वल टू। तो देखिए, जब आप किसी भी टेंजेंट्स पर एस और एस डैश से जब परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो वो कहाँ पर जाकर के मिलेगी, स्पर्श रेखा के, ठीक है, उसके ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो जो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो P और Q, वो दोनों कहाँ पर आएंगे आपके सामने, इस ऑक्सिलरी सर्कल पे आएंगे। और अगर P और Q आपके पास में ऑक्सिलरी सर्कल पे है तो C की P से डिस्टेंस और C की Q से डिस्टेंस जो दोनों होगी वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी। तो आपके सामने जो सी पी माइनस सी क्यू है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, सो दैट विल बी जीरो। क्लियर ना, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है, कि जब भी आप एस और एस डैश से किसी भी टेंजेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाकर के इंटरसेक्ट करती है, आपकी ऑक्सिलरी सर्कल पे इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है? तो इसी के साथ में आपके इस टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके।